तब इसे प्रबल दोस्ती नाम दिया गया था। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस तनिषा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। भारत जोड़ो के बाद कल कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में आए सुझावों और शिकायतों के आधार पर बजट को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आपसी विचार विमर्श के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक मामले के लिए आरपीएससी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा मांगा। उधर अलवर में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच करने के लिए मॉकड्रिल आयोजित की गई है। कालाकुआं स्थित सेटेलाइट अस्पताल में मॉकड्रिल की गई। उदयपुर में सिख समाज और गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन दरबार सेक्टर 11 के संयुक्त तत्वावधान में पहला वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। तो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना इलाके के सबलपुरा गांव में एक व्यक्ति गांव में सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो उसका शव गांव के ही कुएं में पाया गया। उधर बारा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव के मामले का खुलासा कर दिया और पुलिस ने इस पूरे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। भारतीय महिला कुश्ती का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने वाली दंगल गर्ल बबीता फोगाट एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चित्तौड़ प्रांत के 58वें अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की। बीकानेर के राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़ में परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने प्रधानाचार्य और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चूरू में व्यवस्थाओं को लेकर सुधार करने की मांग पर रेहड़ी यूनियन संगठन की ओर से कांग्रेस के मनोनीत पार्षद और रेहड़ी यूनियन अध्यक्ष के नेतृत्व में कच्चा बस स्टैंड के आगे मुख्य सड़क पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया गया। धौलपुर में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा एक कैदी धौलपुर जेल के खुली जेल से 3 दिसंबर को फरार हो गया था, इसे पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु संबंधी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करने राज्य स्तरीय मुस्कान टीम अस्पताल पहुंची। इस दौरान टीम ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और सुप्रिंटेंडेंट की टीम से मुलाकात की। उधर जैसलमेर में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड का वर्चुअली शुभारंभ किया। मंत्री सालिम मोहम्मद और विधायक रूपाराम धंडे हेलीकॉप्टर जॉय राइड के ट्रायल रन में मौजूद रहे। तो विप्र फाउंडेशन की ओर से झालावाड़ में अमृत भारत रत्न परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान शहर में ढोल बाजे के साथ यात्रा प्रमुख मार्गों से निकाली गई। तो झुंझुनू में भी जिला मुख्यालय स्थित बीडी के अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने अस्पताल में स्थापित 5 ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण किया है। मॉकड्रिल करते हुए बारीकी से व्यवस्थाओं को देखा। जोधपुर में इस बार विदेशी के मुकाबले देशी सैलानी ज्यादा पहुंचे हैं। सर्दी, कोरोना की मार और महंगाई से इतर पर्यटक यहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यापारियों में पहले जैसा उत्साह अभी नजर नहीं आ रहा। करौली के टोडा भीम में करौली से सीटीओ और दिल्ली से पहुंची जीएसटी की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। कस्बे के व्यापारियों में इससे हड़कंप मच गया। इस दौरान व्यापारी के बेटे ने जैसे ही भनक लगी दुकान के रिकॉर्ड और बही खातों को एक प्लास्टिक के बोरे में डाल करके दूसरे घर में फेंक दिया, जिसे टीम ने खोज निकाला और अपने कब्जे में लेकर जांच जारी है। कोटा में 2 परीक्षार्थियों वाला परीक्षा सेंटर चर्चा का विषय बना रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन से स्थित सेंटर पर 3 परीक्षार्थियों का नामांकन था। पंजाबी भाषा के पेपर में मात्र 2 परीक्षार्थी ही मौजूद रहे। तो नागौर जिले की रियाबड़ी सीएससी को नई एम्बुलेंस मिली है। रियाबड़ी पंचायत समिति के उपप्रधान गोविंद करण डांगा ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों का 3रा बड़ा महासम्मेलन मंडफिया में आयोजित किया गया। सीकर के खंडेला में भाजपा की जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो टोंक जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ की पीपलकोट थाना पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लूटपाट और मारपीट कर पैसे हड़पने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अलवर जिले के बांसूर में उपखंड मुख्यालय पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने तमाम ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। बांसूर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। नमस्कार।
स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से ये बड़ी खबर है, दो गुटों में पथराव मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर। आपको बता दें, दो पक्षों के पथराव मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ब्रह्मपुरी इलाके में कृष्णा कॉलोनी में पथराव हुआ था। कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूटे थे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस जब्ता रात भर मौके पर तैनात किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पथराव करने वालों की पहचान कर ली गई है और पुलिस पथराव करने वालों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। देर रात तक नॉर्थ जिले के कई थानों का जब्ता बुलाया गया। डीसीपी नॉर्थ पारिस देशमुख ने कहा है कि फायरिंग की पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है, लेकिन पथराव को लेकर जानकारी मिली है और इसके बाद सभी जो पथराव में लोग शामिल थे उन लोगों की तलाश की जा रही है। दो अलग अलग तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से माहौल रात में खराब हुआ पत्थरबाजी के बाद, और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वही दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की गई और पथराव में कुछ वाहनों के शीशे भी टूटे हुए हैं। देखिए, ये लगभग आधे घंटे पहले कंट्रोल को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुँचा, आसपास के जाब्ते को भी यहाँ मौके पर भेजा गया और अब तक अभी मौके पर पूरी तरह से शांति है। केवल पथराव है, किसी को कोई गंभीर चोट अभी तक कारित नहीं हुई है, इसमें किसी प्रकार की आगजनी भी नहीं हुई है, साधारण चोट है। अभी मौके पर शांति है और नियमानुसार आगे कार्रवाई की। तो फिलहाल मौके पर शांति है, जैसा कि पुलिस की ओर से भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि जिन लोगों ने पथराव किया है उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली गई है और पुलिस लगातार उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दे रही है। और खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। पेपर लीक गैंग के सरगना भूपेंद्र सहारण के ठिकानों पर छापे मारे गए, जिसमें उसकी पत्नी, उसके भाई की पत्नी और प्रेमिका सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके घर से डिग्रियां और मार्कशीट बरामद की गई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा देर रात को जयपुर पहुंचे, आज कांग्रेस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में शामिल होंगे। विधायकों से 1-to-1 संवाद भी करेंगे। जयपुर के रामगढ़ रोड पर दो गुटों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा के रहने वाले कुणाल अब आईपीएल में राजस्थान की टीम से खेलेंगे। कुणाल को राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है। कोटा के कुणाल के घर पर परिवारजनों में जश्न का माहौल। कोटा में सर्द रातों में जिला कलेक्टर ने फुटपाथ पर रात बिताने वालों के हालात देखने के लिए शहर में निकले, जिसके बाद सड़क किनारे रात बिता रहे लोगों को उन्होंने रैन बसेरों तक पहुंचाया, साथ ही जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। कोटा में छात्राओं से उस्मत मांगने वाले डर्टी प्रोफेसर को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसे लेकर काफी हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। प्रोफेसर से रिमांड के दौरान पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जहां सामने आया था कि डर्टी प्रोफेसर अपने छात्रों को खाली पुस्तिका में भी नंबर देता था। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और 2 बाल अपचारियों को पकड़ा। दोनों बाल अपचारियों के पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस मामले में तलाश कर रही है। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को चोरी की बाइक भी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। पुलिस की पूछताछ में बाइक चोर ने एक स्कूटर चुराना कबूल किया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। जैसलमेर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से लगातार वाहनों की छतों पर बर्फ जम रही है। बुधवार को भी सुबह वाहनों की छतों पर बर्फ जमी नजर आई। बूंदी के नैनवा देवी में यूरिया खाद की किल्लत चल रही है। इसी कड़ी में सहकारी समिति और एक निजी डीलर से यूरिया खाद के 1,970 कट्टे आने से किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
राजसमंद के चारभुजा थाना पुलिस ने वृद्ध महिला के साथ छेड़खानी के मामले में 6 माह से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वृद्धा ने बताया कि आरोपी ने पालतू जानवरों का सौदा 52,000 में किया था। बूंदी की रायथल थाना पुलिस ने मोबाइल टावर पर बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चुरू में एक नवजात बच्ची एक निजी एम्बुलेंस ड्राइवर को गंभीर हालत में झाड़ियों में पड़ी मिली, जिसके बाद एम्बुलेंस ड्राइवर उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने बताया कि नवजात का जन्म 2 घंटे पहले ही हुआ है और नवजात को सांस लेने में तकलीफ है। जयपुर में आज राशन डीलर्स का महासम्मेलन आयोजित किया गया। राशन डीलर समन्वय समिति की ओर से विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर के राशन डीलर्स एकत्रित हुए। टोडा भीम में करौली से सीटीओ और दिल्ली से पहुंची जीएसटी टीम द्वारा परचूनी व्यापारी के यहां कार्रवाई। कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान व्यापारी के पुत्र ने दुकान के रिकॉर्ड और बही खातों को एक प्लास्टिक के बोरे में रखकर एक घर में फेंक दिया, जिसे टीम ने कब्जे में ले लिया। बारा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कबा थाना के जंगल में मिले शव के मामले पर खुलासा किया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक युवा मोर्चा ने पेपर लीक मामले को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के बांसूर के उपखंड मुख्यालय पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समक्ष बिजली पानी और सड़क संबंधी समस्याओं को रखा। सीकर के खंडेला में भाजपा की जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। कोटा के कोटड़ी इलाके में रहने वाले एक 23 वर्षीय युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अनिल बागड़ी उर्फ गोलू सब्जी मंडी में हमाली का काम करता था। राजसमंद जिले के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में निवासियों ने वार्ड नंबर 25 के पार्षद सूर्यप्रकाश जांगिड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की मांग की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 17KD में कल दिन दहाड़े सुने मकान में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा दोबारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु संबंधी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करने आज राज्य स्तरीय मुस्कान टीम अस्पताल पहुंची। इस दौरान टीम ने अस्पताल में शिशु वार्ड में हालातों का जायजा लिया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। पोखरण पहुंचने पर मंत्री ने निजी आवास फतेह मंजिल पर मैराथन जन सुनवाई करते हुए अधिकारियों को ग्रामीणों और शहरवासियों की तत्काल समस्या के निर्देश दिए। झुंझुनू में छात्र संगठन SFI ने प्रदेश व्यापी आह्वान कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए RPSC सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक मामले में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। करौली के कैला देवी मार्ग स्थित NH 23 पर गतका की चौकी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अधेड़ घायल हो गया। अलवर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल किया गया। चुरू के PDU मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई। अस्पताल परिसर में स्थित 5 ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर, ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। झुंझुनू में कोरोना की संभावित वापसी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर आज जिले भर के सरकारी अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांटों का मॉक ड्रिल किया गया। श्रीगंगानगर के घरसाना थाना क्षेत्र में रोजड़ी बस स्टैंड पर बीती शाम शराब के नशे में युवक के द्वारा किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध में आज व्यापारी लामबंद हो गए और बाजार को बंद रख दिया। उदयपुर की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को काबू में करने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली गेट चौराहे पर आज जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उदयपुर SP विकास शर्मा और नगर निगम के अधिकारियों ने दौरा किया। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल आज राजसमंद जिले के केलवाड़ा कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग की सुंदरता को निहारा। जैसलमेर को निहारने हजारों की तादाद में पर्यटक जैसलमेर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर अब तक जागरूकता की कमी नजर आ रही है।
दुनिया सबसे संकटग्रस्त जीवों की लिस्ट में आने वाले धरती के सबसे पुराने जीवों में एक घड़ियाल पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। जयपुर में इसकी ब्रीडिंग भी खतरे में नजर आ रही है। टोंक जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों का निरीक्षण कर जायजा लिया। आरोपी ने जुए में हारकर पत्नी के गहने गिरवी रख दिए थे, जिन्हें छुड़ाने को लेकर मानसिक दबाव में था। इस दौरान उसने जंगल में बकरी चरा रहे किशोर पर लूट की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। कोटा में पुताई करते समय हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से 3 युवक झुलस गए, जिसमें से होमगार्ड के जवान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के भुंगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में कुल 35 लोगों की अब तक हादसे में जान जा चुकी है, वहीं 9 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा मामले में 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। 8 दिसंबर को जोधपुर के भुंगरा में भयंकर हादसा हुआ था। कोटा में कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई, मृतक के शव को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला। झुंझुनू के पलानी में सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भरने पर उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने जिले में 5500 से ज्यादा उपभोक्ता चिन्हित किए, जिन पर 6.5 करोड़ का बकाया लगाया है। अलवर के भिवाड़ी में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और 2 से 3 महीने में बकाया वेतन दिलाने की मांग की। अलवर नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त की हठधर्मिता और व्यवस्थाओं के खिलाफ 6 पार्षद नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने चेतावनी दी है कि अगर नगर परिषद ने अलवर शहर के विकास पर ध्यान नहीं दिया तो ये धरना भूख हड़ताल में बदल जाएगा। सीकर के फतेहपुर में तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद 3 और गाड़ियां टकरा गई। इस हादसे में 1 युवक की मौत हुई, 3 घायल हैं। भरतपुर में सराफा दुकान में चोरी की वारदात सामने आई, चोरों ने दुकान का शटर और गेट के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोर चोरी का सामान ले जाते सीसीटीवी में कैद किए गए। चूरू के सादुलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अभी तक गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और थाने के सामने धरना देकर विरोध जताया। श्रीगंगानगर के घरसाना थाना में रोजड़ी बस स्टैंड पर किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध में आज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और बाजार को बंद रखा। बाजार बंद कर व्यापारियों ने आरोपी सोनू जाट की गिरफ्तारी की मांग की। कल शाम को बस स्टैंड के पास किराना व्यापारी की गोली मारकर घायल किया गया था, जिसका इलाज चल रहा है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना में एक बिहार के कारीगर की मौत हो गई। युवक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में 2.5 महीने पहले 40 साथी के साथ मजदूरी के लिए वहां पर आया था। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अब करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहल की है। पीड़ितों का तीसरा बड़ा महासम्मेलन राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित मंडफिया में आयोजित किया गया। ट्रॉली में NH23 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की नगर पालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने का लगातार अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह नगर पालिका के दस्ते ने वार्ड नंबर 1 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। उदयपुर के डबोक थाना इलाके में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को मारुति वैन ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 1 बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत बच्चा अपने ननिहाल आया हुआ था। अलवर जिले के रामगढ़ में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, जहां पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या की गई थी और उसे घटना का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि महिला के पति ने दहेज के चलते अपने परिजनों के साथ मिलकर महिला की हत्या की थी। झुंझुनू में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और करीब 60 लाख रुपए की कीमत के पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भीड़ चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की और चिलावा की ओर से आ रहे कंटेनर को जब्त कर लिया। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सवाईमाधोपुर जिले के बाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक युवती की अचेत अवस्था में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, वहीं युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़क चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे 13 गुमटियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया।
प्रतापगढ़ के उपखंड मुख्यालय पर NH 56 पर रोड पर अवैध अतिक्रमण के चलते दो ट्रोले आपस में टकरा गए, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। अलवर में मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ सरस डेयरी चेयरमैन का अभियान लगातार जारी है। सोमवार रात को सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सरस डेयरी चेयरमैन 2 किलोमीटर बाइक पर और उसके बाद पैदल चलकर मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वाली कारखाने पर पहुंचे और उनको पकड़ा। इसके बाद वहां मौजूद करीब 2000 लीटर दूध को नाली में बहा दिया। कोटा में डर्टी प्रोफेसर और आरोपी छात्रों के बीच की बातचीत के SIT टीम को 50 और ऑडियो मिले हैं। बातचीत की ऑडियो की SIT की टीम स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। सीकर में मकर संक्रांति से पहले ही चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने 3 जगह पर कार्रवाई की और चाइनीज मांझा बरामद किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में हुई चोरी की वारदात को पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज फिर से पुलिस मौके पर पहुंचेगी और जायजा लिया जाएगा। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट से जल्द ही राहत मिलने वाली है। राज्य में जल्द ही 1100 मेगावाट के बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में चल रहे विद्युत संकट के बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से राहत भरी खबर सामने आई। सुपर थर्मल पावर प्लांट की सब क्रिटिकल पावर स्टेशन की बंद पड़ी 250 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। कोचिंग नगरी कोटा में आज शहर की कई कॉलोनियों में बिजली गुल रहने वाली है। अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में करीब 5 घंटे तक बिजली कटौती रहेगी। शहर में आज बिजली के लाइनों के रखरखाव और मेंटेनेंस के कामों के चलते बिजली कटौती होगी। वहीं लगातार हो रही बिजली की समस्या को लेकर लोगों में रोष है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है। हालांकि आज घने कोहरे से कुछ राहत मिली है, जिससे वाहन चालकों को खासी राहत। और खबरें देखेंगे विस्तार से। झीलों की नगरी उदयपुर में चल रहा 10 दिवसीय शिल्प ग्राम महोत्सव परवान पर है। इस महोत्सव में देश भर के विभिन्न राज्यों से आए कलाकार और शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं देशी विदेशी पर्यटक भी इस महोत्सव का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इसके शॉर्ट्स और इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे। अगर आप देश भर की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं और पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो ये खबर आपके लिए खास है। बस इसके लिए आपको जगह जगह घूमने के बजाय झीलों के शहर उदयपुर आना होगा। यहाँ चल रहे शिल्पग्राम उत्सव में आपको एक साथ देश भर की संस्कृति देखने को मिल जाएगी। 21 दिसंबर से शुरू हुए इस उत्सव में लोगों की भीड़ जमकर उमड़ रही है। यहाँ कोई खाने का आनंद ले रहा है तो कोई गीत संगीत का। देश भर से करीब 1600 लोक कलाकार और शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं और अपने अपने राज्यों की संस्कृति से परिचित करवा रहे हैं। इनकी प्रस्तुतियां लोगों के मन को मोह रही है। तो यहाँ शिल्पग्राम में तो पूरा विलेज का व्यू देखने को मिला है, तो बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी फीलिंग आई हमें। सब कुछ बहुत औसम था। शिल्पग्राम में यहाँ पर जैसे हमारे देश की संस्कृति जो है दूर दूर से आए लोगों के लिए, जैसे ये नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, नॉर्थ ईस्ट की सारी राजस्थान की संस्कृति और नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो साउथ की सारी संस्कृति है वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। हम लोग हर साल शिल्पग्राम देखने आते हैं। ये जो मेला है यहाँ का, इसमें इसकी यूनिकनेस ही जो पूरे इंडिया में कहीं और देखने को हमें नहीं मिलती है। 10 दिवसीय इस शिल्पग्राम महोत्सव में खरीदारी के लिए दुकानें भी सजाई गई हैं और पर्यटक जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं, क्योंकि इस शिल्पग्राम में एक से बढ़कर एक वस्तुएं एक ही स्थान पर खरीदने को मिल रही है। और अगर मौका चूक गए तो इन्हें खरीदने के लिए हो सकता है आपको देश के अलग अलग राज्यों में जाना पड़े। ऐसे में हाथ आया मौका कौन छोड़ना चाहेगा। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम हूँ शिल्पग्राम के बारे में। मैंने बहुत सुना था, बहुत मतलब मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था। ये जिस तरीके से दिखती है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, उससे कहीं ज्यादा अच्छी है।
और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें एक क्राफ्ट पर्सन की कितनी मेहनत है, वो हैंडक्राफ्ट चीज़ों की हमें, मैं समझती हूँ, एक अपनी जो धरोहर है उसको हमें बनाए रखना है और ये शिल्पग्राम उत्सव उसके लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। चौंतीसवें शिल्पग्राम उत्सव में इस बार रिकॉर्ड तोड़ कलाकारों की भागीदारी हुई है, जिनकी कलाओं के स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों ने काफी सराहा। इसके साथ ही उत्सव में क्राफ्ट, हैंडलूम, हाथ से बनी हुई चीजों को भी लोगों ने हाथों हाथ लिया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही दूसरे प्रदेशों से आए लोगों को रोजगार मिला। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर B2 बाईपास के बीच सड़क पर आए दिन एक्सीडेंट होना आम बात हो गई है। पहले सड़क उबड़ खाबड़ होने के चलते एक्सीडेंट होते थे और अब रोड खरोचने के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ठेकेदार की लायबिलिटी थी और अब JDA की, लेकिन इसके पीछे खेल क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहले काम की गुणवत्ता के नाम पर समझौता, फिर उस समझौते के नाम पर नया खेल। JDA के इंजीनियर्स की नई इंजीनियरिंग देखिए। शहर का नहीं, अपना और अपनों का हो विकास। कहने को तो जयपुर शहर के विकास का जिम्मा JDA के पास है, लेकिन शहर के विकास से ज्यादा JDA के अफसर अपना विकास करने में जुटे हैं। पहले काम की गुणवत्ता के नाम पर समझौता और फिर उस समझौते के नाम पर नया खेला। जी हाँ, यही तो JDA है। JDA के इंजीनियर्स की इस इंजीनियरिंग का हर कोई कायल है। कायल हो भी तो क्यों ना, क्योंकि शहर के विकास से ज्यादा अपना और अपनों का विकास। न्यू सांगा ने रोड पर मरम्मत के नाम पर खेल, भ्रष्ट ठेकेदार को बचा रहे JDA के इंजीनियर्स। ठेकेदार के खेल पर अधिकारियों की लिपापोती, मरम्मत के नाम पर सड़क पर की गई मिलिंग, सड़क ठीक करने की बजाय खरोंच कर इतिश्री। अब पहले से ज्यादा होने लगे हैं सड़क हादसे। न्यू सांगा ने रोड पर सड़क उबड़ खाबड़ होने के कारण रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ गई थी। सड़क बनाने वाली फर्म पर कार्रवाई करने की बजाय JDA इंजीनियर्स ने सड़क पर मिलिंग यानी उबड़ खाबड़ सड़क के हिस्से को खरोच कर इतिश्री कर ली। लेकिन सड़क पर मिलिंग होने के बाद दुपहिया वाहनों के स्लिप होने की घटनाएं बढ़ गई है, जबकि JDA को संबंधित फर्म से सड़क को रिपेयर करवाना था, लेकिन JDA के इंजीनियर से सड़क पर मिलिंग करवाकर संबंधित फर्म के साथ इतिश्री कर बैठे। तो सड़क की अगर आप गहराई की बात करेंगे यहाँ पर, तो करीब 4 से 5 इंच तक यहाँ पर मिलिंग कर यहाँ पर खोद दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 से 5 इंच यहाँ पर जो सड़क है उसको खोद कर रख दिया गया है। और सबसे बड़ी ये बात है कि करीब 3 महीने गुजर जाने के बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण ये जो न्यू सांगानेर रोड का आप ये जो पार्ट देख रहे हैं उसका सरफेस तक तैयार नहीं कर पाया है। और अब न्यू सांगानेर रोड की सड़क को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए का नया टेंडर लगा दिया गया है। JDA के इंजीनियर्स को रोड एक्सीडेंट की घटनाओं से कोई सरोकार नहीं। रोड एक्सीडेंट तो ऐसे ही होते हैं रोजाना। इस पे गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, टू व्हीलर, और कई बार गिरने की स्थिति में आ जाते हैं, गिर भी जाते हैं लोग। जब JDA के इंजीनियर्स से सवाल किया तो इंजीनियर्स का तर्क है कि इस रोड को बने काफी वक्त हो गया है, नया रोड बनने की जरूरत है। जो एग्जिस्टिंग खराब लेयर हो गई है उसको हटा करके और नई लेयर डालनी चाहिए, और जो चैम्बर होते हैं, यूटिलिटीज होती है, वहाँ पे जो मेन मिलिंग मशीन होती है उससे हम निकाल नहीं पाते हैं, तो छोटी मिलिंग मशीन भी होती है जो चैम्बर के चारों तरफ या यूटिलिटीज के पास में या ड्रेन के पास में वो माइक्रो मिलिंग कर सकती है, और उससे बाद में हमको रिसर्फेसिंग करना चाहिए। वहीं जब हमने JDA के चीफ इंजीनियर अशोक चौधरी से जानकारी जुटानी चाही तो चौधरी साहब का एक ही जवाब था, जल्द सड़क का डामरीकरण का काम किया जाएगा, लेकिन अगर ठेकेदार के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की जाती तो आज JDA को डामरीकरण करने के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं करनी पड़ती। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करेंगे सवाई माधोपुर में। नगर परिषद के सभापति को भ्रष्टाचार के मामले में 2 महीने की जेल काटने के बाद फिर से सभापति की सीट पर काबिज कर दिया गया है।
21 अक्टूबर को एसीबी की टीम ने सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था। सभापति विमल चंद महावर के रंगे हाथों ट्रैप होने के और जेल जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने सभापति को पद से निलंबित नहीं किया, न ही पार्टी से बेदखल किया, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पार्षदों सहित भाजपाइयों ने नगर परिषद के समक्ष कई दिनों तक धरना भी दिया। सभापति की सीट पर बैठने पर कांग्रेसियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सवाई माधोपुर जिले में सवाई माधोपुर नगर परिषद में नगर परिषद सभापति 2 महीने पहले एसीबी द्वारा 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। 2 महीने जेल में रहने के बावजूद न तो उसे सस्पेंड किया गया, न ही किसी अन्य को चार्ज दिया गया। तो ये कैसा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात हुई? ये तो सरासर ये दिखाई दिया कि उन्होंने कांग्रेस जो है पूर्णतः भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रही है, पूर्णतः भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबी हुई है। यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त सभापति को पुनः बिठाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। कोरोना वायरस का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए देश भर के अस्पतालों में कोविड 19 की मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों को देखा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किए गए ड्रग्स को लेकर के डीजीपी आशीष भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भाटिया ने कहा कि ये कोस्ट गार्ड और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। करीब 300 करोड़ की 40 किलो ड्रग्स यहाँ से बरामद की गई। भारत पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 22 मेघालय के उमरोई में चल रहा है। ये सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में चल रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी, तब इसे प्रबल दोस्ती नाम दिया गया था। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस तनिषा शर्मा पंचतत्व में विलीन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। कोरोना वायरस का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए देश भर के अस्पतालों में कोविड 19 की मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों को देखा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किए गए ड्रग्स को लेकर के डीजीपी आशीष भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भाटिया ने कहा कि ये कोस्ट गार्ड और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। करीब 300 करोड़ की 40 किलो ड्रग्स यहां से बरामद की गई।
भारत पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजित 22 मेघालय के उमरोई में चल रहा है। ये सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में चल रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी, तब इसे प्रबल दो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में आज आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने वाले हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आम लोग इसे बड़े चाव से देख रहे हैं। इनमें कुछ ऐसी खबरें हैं जो हैरान करती हैं, कुछ परेशान करती हैं, कुछ गुदगुदाती हैं तो कुछ सीख देकर जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वायरल खबरों का सिलसिला, वायरल सुपरहिट। यूपी के कासगंज से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां एक स्कूल महिला प्रिंसिपल और शिक्षा मित्र के लिए जंग का मैदान बन गया। ये दोनों बच्चों के सामने ही स्कूल के अंदर आपस में भिड़ गईं और मारपीट करने लगी, एक दूसरे के बाल नोचने लगी। स्कूल में मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रिंसिपल मैडम और शिक्षिका आपस में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही हैं, कभी एक दूसरे के बाल खींच रही हैं, तो कभी एक दूसरे को थप्पड़ मार रही हैं। इनकी लड़ाई देख एक महिला बचाने के लिए चिल्लाती है, तभी पिंक और काले रंग के कपड़े में दिख रही दो महिलाएं इनकी ओर दौड़ती हैं। वे इस लड़ाई को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन एक दूसरे का बाल पकड़कर लटकी ये शिक्षिकाएं अलग हटने का नाम नहीं लेती और ये अपनी लड़ाई जारी रखती हैं। बड़ी मुश्किल से इन दोनों की लड़ाई खत्म हुई और अब पुलिस इनके बीच की लड़ाई की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में आरटीओ ऑफिस में दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद सरकारी दफ्तर के बाहर ही जमकर डंडे चलने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में भगदड़ और अफरा तफरी होती नजर आई, जहां कई लोग आपस में मारपीट करते दिखे। कोई लात घूंसे बरसा रहा था तो कोई लाठियां बरसाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोग भागते दिखे। ऐसे में कुछ लोगों ने दोनों गुटों को मारपीट करने से रोकने की कोशिश की तो वहीं स्टूल और कुर्सी से एक दूसरे पर हमला करने लगे। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। बताया गया कि वीडियो कानपुर देहात के आरटीओ दफ्तर के बाहर का था, जहां एजेंट आपस में भिड़ गए थे और फिर देखते ही देखते पूरा विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें एक आदमी का सिर फट गया तो वहीं कई और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मारपीट करने वाले लोगों की पहचान में जुट गई है। यूपी के अंबेडकर नगर से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सड़क पर एक लड़का मोटरसाइकिल सवार दूसरे लड़के को बुरी तरह पीटता नजर आया। आसपास खड़े लोगों ने कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन लाल रंग की जैकेट पहना लड़का मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार जमीन पर पड़े लड़के पर घूंसे और लात बरसाता रहा। लड़के की पिटाई का ये वीडियो अकबरपुर कोतवाली के पहितीपुर रोड का बताया जा रहा है, जहां किसी बात को लेकर इन लड़कों में पहले तो बहस हुई, इसके बाद ये मारपीट में बदल गई। बीच बचाव कर रहे लोग पिटाई कर रहे लाल रंग के जैकेट वाले लड़के को दिलीप नाम से पुकार रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद पिटाई करने वाले लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया है। उत्तराखंड के रुड़की में कुछ लड़कियों के बीच मारपीट हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीन लड़कियां एक दूसरी लड़की पर डंडे बरसाती नजर आ रही हैं। बीच सड़क पर काफी देर तक तीनों लड़कियां एक के बाद एक डंडे से हमला करती रही। इस दौरान पीड़ित लड़की अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाती रही।
वहीं लड़कियों के बीच मारपीट होता देख मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। आरोप है कि लड़कियों के बीच किसी पुराने विवाद की वजह से कहासुनी शुरू हुई और एक होटल के बाहर मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और पुलिस एक्ट में चालान कर आरोपी लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने लड़कियों को आगे से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न होने के सख्त निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सभी लड़कियां रुड़की की रहने वाली हैं, जिन्हें चालान के बाद छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर सीट पर बैठे ड्राइवर को थप्पड़ जड़ता नजर आया। थप्पड़ लगाने के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर कनक सिंह ने ड्राइवर को नीचे उतारा और धक्का दे दिया। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और वो भी ट्रैक्टर ड्राइवर को चेतावनी देता दिखा। पत्थर लाद कर ट्रैक्टर ट्रॉली बाईपास रोड के नजदीक एक गली से गुजर रही थी, तभी टीआई और एक सब इंस्पेक्टर ने इसे रोक लिया। आरोप है कि ड्राइवर तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था। तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हादसा होने से बच गया। एक मेडिकल एजेंसी के संचालक के साथ मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं, जहां कमला मेडिकल एजेंसी के संचालक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। खास बात यह है कि मारपीट करने वालों में महिला भी शामिल थी, जो चप्पल उतारकर मेडिकल एजेंसी के संचालक को पीट रही थी। कोतवाली थाना इलाके से वायरल हुई इन तस्वीरों के बारे में कहा जा रहा है कि मेडिकल एजेंसी से दवाइयों के कुछ कार्टन गायब हो गए थे। उसी को लेकर मेडिकल एजेंसी वालों और कुछ लोगों के बीच बहस हो गई। इस बहस के बाद उन लोगों ने अपने लोगों को बुला लिया और मेडिकल एजेंसी के संचालक के साथ जमकर मारपीट की। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जबरदस्त हंगामे और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ महिलाएं एक आदमी को बांध कर पीटती नजर आ रही है। ये वीडियो सिंगरौली जिले के ट्रॉमा सेंटर के बाहर का है, जहां महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने भी आदमी पर डंडे की बरसात कर दी। बताया गया कि सड़क हादसे में एक ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही ट्रैक्टर मालिक मौके पर पहुंचा और ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन इस दौरान ड्राइवर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद ड्राइवर के परिवार वालों ने ट्रैक्टर मालिक पर हत्या का आरोप लगाया और उसकी पिटाई कर दी। ट्रॉमा सेंटर के बाहर काफी देर तक ट्रैक्टर मालिक से लोग मारपीट करते रहे। नहीं, जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने आदमी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ थाने ले गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बंधक बनाकर मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसके साथ ही ट्रैक्टर ड्राइवर की हुई मौत के मामले में भी जांच की जा रही है। महिलाओं के साथ मारपीट की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है, जहां कुछ लोगों ने एक महिला के साथ सरेआम मारपीट की। खास बात यह है कि महिला के साथ मारपीट करने वालों में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह तीन से चार लोग इस महिला को लाठी डंडों से पीट रहे हैं और इसे नीचे गड्ढे की ओर धकेल रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये तस्वीरें सूरजपुर के पौंडी गांव की है, जहां मवेशी बांधने के लिए पहले तो इस महिला के साथ इन लोगों की बहस हुई और फिर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। महिलाओं के बीच मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भटगांव पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड के बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में दिन दहाड़े असामाजिक तत्वों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए जमकर मारपीट की। दुकानदार का आरोप है कि उससे 40,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई थी, जिसे न देने पर असामाजिक तत्वों ने दुकान में तोड़फोड़ की। खास बात यह है कि पिटाई की ये सारी घटना
सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ गुंडे दुकानदार की पिटाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। नीला स्वेटर पहने युवक के हाथ में रॉड है जिससे वो दुकानदार पर हमला कर रहा है। उसके साथ ही दुकान के बाहर रखी कुर्सियों को तोड़ रहे हैं। फिलहाल हरला थाना पुलिस ने पीड़ित दुकानदार की शिकायत दर्ज कर ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए हरला थाना प्रभारी ने बताया कि उन्हें दो गुटों में पैसे के लेन देन को लेकर हुई मारपीट की सूचना मिली थी जिसकी जांच की जा रही है। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आई है जिसके बाद से पुलिस की सख्ती पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सीवान में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़कियों ने शराब की महफिल जमाई हुई है। कुछ लड़कियां हाथ में शराब की बोतल लिए दिखाई दे रही है, जाम पे जाम छलका रही है, एक दूसरे को मनुहार कर शराब परोस रही है और मदिरा पान कर रही है। दूसरी तस्वीर में लड़कियां गांजा फूंकती नजर आ रही है और उसका वीडियो भी बनवा रही है। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली हैं और वीडियो भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो पर पुलिस जांच में जुट गई है। बिहार के बेतिया से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री अक्षरा सिंह भीड़ से बचने के लिए स्कूटर पर बैठकर भागती नजर आई। खास बात यह है कि वायरल वीडियो में कई लोग उनके पीछे दौड़ते दिखाई दिए। बताया गया कि अक्षरा सिंह वहां मेयर पद की प्रत्याशी करीमा सिंह के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्हें देखते ही लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए उनके पीछे पड़ गए। जब हालात काबू से बाहर हुए तो मेयर प्रत्याशी के पति ने उन्हें जल्दी से स्कूटर पर बैठाया और वहां से भाग निकले। आरोप है कि उन्हें देखते ही लोग इस कदर उनकी तरफ दौड़े कि वो अपनी चप्पलें तक नहीं पहन पाए। इसके बाद वीडियो में भी वो नंगे पैर स्कूटर पर बैठी नजर आई। के आईसीयू में एक दूसरे को वरमाला पहना रहे दूल्हा दुल्हन की ये अनोखी तस्वीर बिहार के गया से सामने आई है। यहाँ बीमार माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए इस लड़की ने हॉस्पिटल में ही शादी रचा ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लड़की शादी के जोड़े में दिख रही है। उसके बगल में मैरून रंग की हुडी में दूल्हा खड़ा है, दोनों के हाथ में वरमाला है, आसपास कई लोग हैं। उनमें से एक व्यक्ति हाथ में किताब लेकर मंत्रोच्चारण कर रहा है। खास बात ये है कि इस वीडियो में कई लोग नजर तो आ रहे हैं लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। दरअसल गया के अर्श हॉस्पिटल के आईसीयू में पूनम वर्मा कई दिनों से भर्ती थी। पूनम ने परिजनों के सामने शर्त रखी थी कि उनकी बेटी चांदनी की शादी उनके जिंदा रहते ही कर दी जाए। इसी वजह से तय तारीख से एक दिन पहले ही परिजनों ने बेटी की शादी का फैसला कर लिया। दुख की बात यह है कि चांदनी की शादी के दो घंटे बाद ही उसकी मां पूनम की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सैलानियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार नए साल के जश्न के लिए होटल में दोगुनी बुकिंग हुई है। खास बात यह है कि शिमला, मनाली और कुल्लू से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही है। बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं। शिमला के माल रोड में बड़ी संख्या में लोग दिखे। जैसे जैसे नए साल के दिन करीब आ रहे हैं वैसे ही पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों पर हर तरफ सैलानियों की भीड़ लगी है। 5 जनवरी तक सभी होटल और रिजॉर्ट में बड़ी संख्या में बुकिंग की गई है। लाहौल स्पीति में भी सैलानियों की आवाजाही बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि लाहौल स्पीति को जोड़ने वाली अटल टनल से बीते 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरी, जिसकी वजह से अटल टनल के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन दिखी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सैलानियों से ट्रैफिक नियम का पालन करने
और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। चीन की राजधानी बीजिंग से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कंटेनर के अंदर कई शव रखे दिखाई दिए, जिसको लेकर दावा किया गया कि चीन मौत के आंकड़े को छिपाना चाहता है। इस वीडियो में कई कंटेनर रखे दिखाई दिए, जिसके सामने एक बड़ी सी कार रुकी जिसकी डिग्गी खुली हुई थी। वहां मौजूद कुछ लोग एक स्ट्रेचर लेकर आए और फिर तीनों बड़े से कंटेनर के अंदर जाते दिखे। कंटेनर के अंदर सील पैक कई शव रखे दिखे, जिसमें से एक शव को कंटेनर से निकालकर स्ट्रेचर पर तीनों आदमी लिटाते दिखे। वीडियो सामने आने के बाद फिर से चीन पर कोरोना से हो रही मौत के आंकड़े छिपाने के लिए शवों को छिपाने का आरोप लगा है। वैसे भी चीन के कई शहर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। हर रोज चीन से डरा देने वाली तस्वीर सामने आ रही है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। हाल यह है कि अकेले न्यूयॉर्क में पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि पूरे अमेरिका में अब तक 60 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। बर्फीले तूफान की वजह से न्यूयॉर्क में लोग तेज हवा के साथ कड़ाके की ठंड का सामना करने को मजबूर हैं। यहां 49 इंच से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया। सड़क से लेकर घरों की छत और कारों में बर्फ की मोटी परत बिछी नजर आई, और तूफान के बीच ही कुछ लोग सड़क से बर्फ हटाते दिखे। अमेरिका में लगातार हो रही बर्फबारी से लाखों घरों की बिजली गुल हो गई है। पावर स्टेशन पर बर्फीले तूफान की वजह से बिजली का संकट गहरा गया है। वहीं बर्फीले तूफान से खतरा अभी टला नहीं है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने लोगों को अलर्ट किया है कि आने वाले दिनों में और बर्फबारी हो सकती है। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक देश भर में अब तक बर्फीले तूफान से कई लोगों की जान जा चुकी है। बर्फबारी के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से जरूरी न होने पर घर में ही रहने की सलाह दी है। जापान के कई इलाकों में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। जापान के उत्तर पूर्वी हिस्से में पिछले हफ्ते ही बर्फीले तूफान ने दस्तक दे दी थी, लेकिन सप्ताह के आखिर तक ये मौसम वहां रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। घरों की छत से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ बर्फ से ढका दिखा। कभी हरे भरे दिखने वाले पेड़ जबरदस्त ठंड के कारण सूख गए और पेड़ों से हरे पत्ते गायब हो गए। और ये हालात जापान के किसी एक इलाके में नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी जापान के ज्यादातर हिस्सों में बर्फीले तूफान ने जमकर कोहराम मचाया है। इस बर्फबारी की वजह से जो जहां था वहीं फंस गया। बढ़ती दिक्कतों को देखते हुए वहां के प्रशासन ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन जो लोग राहत बचाव के काम में जुटे थे उन्हें भी काफी परेशानियां उठानी पड़ी। माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ही ज्यादा खास होता है। जब बच्चे पर संकट आता है तो माँ अपनी जान पर खेलकर बच्चे को बचाती है, और जब माँ मुसीबत में होती है तो बच्चा भी उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। दरअसल माँ बेटे का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की जान बचाने के लिए जी जान लगा देता है। लोग इसके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। शरीर की पूरी ताकत लगाकर सीढ़ी उठा रहे इस बच्चे के हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा मासूम बच्चा मुसीबत में फंसी अपनी माँ की जान बचाने के लिए सीढ़ी उठाने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि काले रंग के कपड़े में दिख रही एक महिला सीढ़ी पर चढ़कर अपने गैराज में कुछ काम कर रही है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, सीढ़ी नीचे गिर जाती है और महिला गैराज के दरवाजे के ऊपरी हिस्से को पकड़कर लटक जाती है। इस दौरान उसका छोटा सा बेटा वहीं मौजूद होता है। जैसे ही माँ की सीढ़ी गिरती है, बच्चा तुरंत एक्टिव हो जाता है और अकेले ही सीढ़ी को खड़ा करने में जुट जाता है। एक शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसे कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों को नहाने का ऑफर देते देखा जा रहा है। ये ऑफर इतना खास है कि इसे देखकर हर कोई दंग है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स को नदी किनारे बनी रेलिंग पर बैठे देखा जा रहा है, जो कि आवाज लगाते हुए कह रहा है कि वो इस ठंड में लोगों के नाम की डुबकी लगाएगा, जिसके लिए वो सिर्फ 10 रुपए चार्ज कर रहा है। शख्स का ये आइडिया देख यूजर्स हैरान रह गए। कुछ यूजर्स इसे आपदा में अवसर से जोड़कर देख रहे हैं,
वहीं हर कोई इस कड़ाके की ठंड में सिर्फ 10 रुपए में लोगों के नाम की डुबकी लगा रहे इस शख्स की हिम्मत की सराहना कर रहा है। अच्छा बताओ, पराठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया पर कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, इस बात का अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर रोजाना कई अनोखे और कलात्मक वीडियो सामने आते रहते हैं, जो यूजर्स का ध्यान खींचने के साथ ही उनका मनोरंजन करते नजर आते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में सामने आया है जो यूजर्स को काफी पसंद आ रहा है। ये दोनों बच्चे अपनी नादानी और अपने अंदाज की वजह से जिस तरह एक दूसरे को अंग्रेजी सिखा रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पकोड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं पकोड़ा, क्या बोलते हैं? पकोड़ा। खास बात यह है कि इन बच्चों का यही अंदाज इनकी USP है और हर कोई इस वीडियो को कई कई बार देख रहा है। मुझे नहीं पता। अच्छा तो तुम इंग्लिश कब सीखोगी? पराठे को इंग्लिश में बोलते हैं पराठा, क्या बोलते हैं? पराठा, यस। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। कोरोना वायरस का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए देश भर के अस्पतालों में COVID-19 की मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों को देखा। गुजरात ATS और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किए गए ड्रग्स को लेकर के DGP आशीष भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भाटिया ने कहा कि ये कोस्ट गार्ड और ATS का ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। करीब 300 करोड़ की 40 किलो ड्रग्स यहां से बरामद की गई। भारत पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजित 22 मेघालय के उमरोई में चल रहा है। ये सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में चल रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी, तब इसे प्रबल दोस्ती नाम दिया गया था। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस तनिषा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार गुरुदेव शमशान भूमि पर किया गया। 20 साल की एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था और परिवार, करीबी और फैंस इससे काफी निराश हुए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। कई विषयों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि मर्सिडीज कार में चालक के अलावा प्रहलाद मोदी के साथ उनका एक बेटा, बहू और एक पोता भी साथ थे। हादसे में प्रहलाद मोदी, बहू और पोते को गंभीर चोटें आई हैं, तो उनके मर्सिडीज कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। डॉक्टर ने बताया। उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक मामले के लिए RPSC को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने RPSC चेयरमैन का इस्तीफा मांगा। उधर अलवर में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच करने के लिए मॉकड्रिल आयोजित की गई है। कालाकुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में मॉकड्रिल की गई। उदयपुर में सिख समाज और गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन दरबार सेक्टर 11 के संयुक्त तत्वावधान में पहला वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। तो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना इलाके के सबलपुरा गांव में एक व्यक्ति गांव में सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो उसका शव गांव के ही कुएं में पाया गया।
उधर बारा पुलिस ने करीब दो महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव के मामले का खुलासा कर दिया और पुलिस ने इस पूरे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। भारतीय महिला कुश्ती का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने वाली दंगल गर्ल बबीता फोगाट एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चित्तौड़ प्रांत के 58वें अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की। बीकानेर के राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़ में परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने प्रधानाचार्य और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चूरू में व्यवस्थाओं को लेकर सुधार करने की मांग पर रेहड़ी यूनियन संगठन की ओर से कांग्रेस के मनोनीत पार्षद और रेहड़ी यूनियन अध्यक्ष के नेतृत्व में कच्चा बस स्टैंड के आगे मुख्य सड़क पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया गया। धौलपुर में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा एक कैदी धौलपुर जेल के खुली जेल से 3 दिसंबर को फरार हो गया था, इसे पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु संबंधी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करने राज्य स्तरीय मुस्कान टीम अस्पताल पहुंची, इस दौरान टीम ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और सुप्रिंटेंडेंट की टीम से मुलाकात की। उधर जैसलमेर में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीना ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड का वर्चुअली शुभारंभ किया। मंत्री सालेम मोहम्मद और विधायक रूपाराम धंडे हेलीकॉप्टर जॉय राइड के ट्रायल रन में मौजूद रहे। तो विप्र फाउंडेशन की ओर से झालावाड़ में अमृत भारत रत्न परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया, इस दौरान शहर में ढोल बाजों के साथ यात्रा प्रमुख मार्गों से निकाली गई। तो झुंझुनू में भी जिला मुख्यालय स्थित बीडी के अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने अस्पताल में स्थापित 5 ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण किया है, मॉकड्रिल करते हुए बारीकी से व्यवस्थाओं को देखा। जोधपुर में इस बार विदेशी के मुकाबले देशी सैलानी ज्यादा पहुंचे हैं, सर्दी कोरोना की मार और महंगाई से इतर पर्यटक यहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यापारियों में पहले जैसा उत्साह अभी नजर नहीं आ रहा। करौली के टोडा भीम में करौली से सीटीओ और दिल्ली से पहुंची जीएसटी की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, कस्बे के व्यापारियों में इससे हड़का मच गया। इस दौरान व्यापारी के बेटे ने जैसे ही भनक लगी दुकान के रिकॉर्ड और बही खातों को एक प्लास्टिक के बोरे में डाल करके दूसरे घर में फेंक दिया, जिसे टीम ने खोज निकाला और अपने कब्जे में लेकर जांच जारी है। कोटा में 2 परीक्षार्थियों वाला परीक्षा सेंटर चर्चा का विषय बना रहा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन्स स्थित सेंटर पर 3 परीक्षार्थियों का नामांकन था, पंजाबी भाषा के पेपर में मात्र 2 परीक्षार्थी ही मौजूद रहे। तो नागौर जिले की रियाबड़ी सीएससी को नई एम्बुलेंस मिली है, रियाबड़ी पंचायत समिति के उपप्रधान गोविंद करण डांगा ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों का 3रा बड़ा महासम्मेलन मंडपिया में आयोजित किया गया। सीकर के खंडेला में भाजपा की जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो टोंक जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ की पीपलकोट थाना पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लूटपाट और मारपीट कर पैसे हड़पने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अलवर जिले के बांसुर में उपखंड मुख्यालय पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने तमाम ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है, बांसुर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में एक बिहार के कारीगर की मौत हो गई, पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की नगर पालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान लगातार जारी है, इसी कड़ी में सुबह नगर पालिका के दस्ते ने वार्ड संख्या 1 से अतिक्रमण हटाए। तो उदयपुर के दबोक थाना इलाके में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ, मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को मारुति वैन ने टक्कर मारी। अलवर जिले के रामगढ़ इलाके में विवाहिता की मौत मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या की गई थी। झुंझुनू में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, करीब 7 लाख रुपए की कीमत के पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे हुए एक कंटेनर को जब्त किया गया है। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी की जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो सवाई माधोपुर जिले के बाली थाना इलाके में सड़क के किनारे एक युवक और युवती की अचेत हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, पुलिस की जांच जारी है। कोटा में डर्टी प्रोफेसर और आरोपी छात्र के बीच बातचीत का एसआईटी की टीम को 50 और ऑडियो मिले हैं और बातचीत के ऑडियो की एसआईटी की टीम जांच कर रही है। उधर सीकर में मकर संक्रांति से पहले ही चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है, सीकर की कोतवाली पुलिस ने 3 जगह पर कार्रवाई की, चाइनीज मांझा बरामद किया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। कांग्रेस का स्थापना दिवस आज, पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा करेंगे झंडारोहण, सीएम गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा रहेंगे मौजूद। पेपर लीक गैंग के सरगना भूपेंद्र सहारण के ठिकानों पर छापे, पत्नी, उसके भाई की पत्नी और प्रेमिका सहित 6 गिरफ्तार, घर से कई फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट बरामद। आरटीयू के डेटी प्रोफेसर की आज फिर से कोर्ट में पेशी, रिमांड के दौरान किए कई खुलासे, अपने चाहते स्टूडेंट्स को खाली पुस्तिका में भी दिए थे नंबर, एसआईटी ने ऐसी करीब 30 उत्तर पुस्तिकाओं को किया जब्त। जयपुर के ब्रह्मापुर इलाके में दो गुटों में जमकर चले पत्थर, पथराव से आसपास की गाड़ियों के टूटे शीशे, आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। सर्दी से राजस्थान में बढ़ी ठिठुरन, कारों की छतों पर जमी बर्फ, प्रदेश में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, नए साल से पारा और गिरने के आसार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पाली दौरा तय हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू 4 जनवरी को पाली के निम्बली गांव आएंगी और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस समारोह में 35,000 स्काउट गाइड और 1500 विदेशी मेहमान भी शिरकत करेंगे। पेपर लीक गैंग के सरगना भूपेंद्र सहारण के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें उसकी पत्नी, उसके भाई की पत्नी और प्रेमिका सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा देर रात जयपुर पहुंचे, आज कांग्रेस के राज्य स्तरीय अधिवेशन में शामिल होंगे। जयपुर के रामगढ़ रोड पर दो गुटों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों गुटों में हुए पथराव में आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे फूट गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पथराव करने वालों की पहचान शुरू कर दी है, साथ ही मामले में फायरिंग की पुष्टि नहीं की गई है। कोटा के रहने वाले कुणाल अब आईपीएल में राजस्थान की टीम से खेलेंगे। कुणाल को राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है। कोटा में सर्द रातों ने जिला कलेक्टर ने फुटपाथ पर रात बिताने वालों के हालात देखने के लिए शहर में निकले, जिसके बाद सड़क किनारे रात बिता रहे लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया गया। कोटा में छात्राओं से अस्मत मांगने वाले जेटी प्रोफेसर को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसे लेकर काफी हंगामा होने की आशंकाएं हैं, जिसे देखते हुए कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रोफेसर के रिमांड के दौरान पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जहां सामने आया था कि डर्टी प्रोफेसर अपने छात्रों को खाली पुस्तिका में भी नंबर देता था, साथ ही उसके चहेते छात्र ही पेपर तैयार करते थे। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और 2 बाल अपचारियों को पकड़ा। दोनों बाल अपचारियों के पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए है। पुलिस मामले की तलाश में जुटी है। चूरू के रतनगढ़ हुडेरा सड़क मार्ग पर खड़े डंपर की बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक पर सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को चोरी की बाइक भी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में बाइक चोर ने एक स्कूटर चुराना भी कबूल किया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं। जैसलमेर में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बीते 2 दिनों से लगातार वाहनों की छतों पर बर्फ जम रही है। बुधवार को भी सुबह वाहनों की छतों पर बर्फ जमी नजर आई।
बूंदी के नरमा देह में यूरिया खाद की किल्लत चल रही है। इसी कड़ी में सहकारी समिति और एक निजी डीलर से यूरिया खाद के 1970 कट्टे आने से किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजसमंद के चारबुजा थाना पुलिस ने वृद्ध महिला के साथ छेड़खानी के मामले में 6 माह से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वृद्धा ने बताया कि आरोपी ने पालतू जानवरों का सौदा 52,000 में किया था, जिसके बाद आरोपी ने 2,000 नकद और शेष राशि 2 से 3 दिन में देने को लेकर ठगी की। बूंदी के रायथल थाना पुलिस ने मोबाइल टावर पर बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। चूरू में एक नवजात बच्ची एक निजी एम्बुलेंस ड्राइवर को गंभीर हालत में झाड़ियों में पड़ी मिली, जिसके बाद उसे वो अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने बताया कि जन्म 2 घंटे पहले ही हुआ है और उसे सांस लेने में तकलीफ है। कोचिंग नगरी कोटा में आज शहर की कई कॉलोनियों में बिजली गुल रहने वाला है। अलग अलग कॉलोनियों में करीब 5 घंटे तक बिजली की कटौती रहेगी। शहर में आज बिजली के लाइनों के रखरखाव और मेंटेनेंस के कामों के चलते बिजली की कटौती होगी। वहीं लगातार हो रही बिजली की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। हालांकि आज घने कोहरे से कुछ राहत मिली है, जिससे वाहन चालकों को खासी राहत मिली। अलवर में सर्दी की वजह से ओस की बूंदें जम गई और पाला जमने से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया। पिछले 4 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जयपुर में आज से राशन डीलर्स का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। राशन डीलर समन्वय समिति की ओर से विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन में प्रदेश भर के राशन डीलर्स एकत्रित हुए। टोडा भीम में करौली से सीटीओ और दिल्ली से पहुंची जीएसटी टीम द्वारा परचून व्यापारी के यहां कार्रवाई से कस्बे के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बारा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक युवा मोर्चा ने पेपर लीक मामले को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर के बांसूर के उपखंड मुख्यालय पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के समक्ष बिजली पानी सड़क संबंधित अपनी समस्याओं को रखा। सीकर के खंडेला में भाजपा की जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने राज्य सरकार से नाराजगी जताई। कोटा के कोडरे इलाके में एक 23 वर्षीय युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक अनिल बागड़ी उर्फ गोलू सब्जी मंडी में हमाली का काम करता था। राजसमंद जिले के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में निवासियों ने वार्ड नंबर 25 के पार्षद सूर्य प्रकाश जांगिड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की मांग की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र के गांव 17 केडी में कल दिन दहाड़े सुने मकान में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस के द्वारा दोबारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु संबंधी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करने आज राज्य स्तरीय मुस्कान टीम अस्पताल पहुंची। इस दौरान टीम ने अस्पताल में शिशु वार्ड का जायजा लिया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण के दौरे पर रहे। पोखरण पहुंचने पर मंत्री ने निजी आवास फतेह मंजिल पर मैराथन में जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों और ग्रामीणों और शहरवासियों की तत्काल समस्या के निर्देश दिए। झुंझुनू में छात्र संगठन एसएफआई ने प्रदेशव्यापी आह्वान कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए आरपीएससी सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में शामिल दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। करौली के केला देवी मार्ग स्थित NH23 पर गतका की चौकी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। अलवर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चूरू के पीडीयू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल में कोरोना की संभावित लहर को देखते हुए मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई। अस्पताल परिसर में स्थित 5 ऑक्सीजन प्लांट वेंटिलेटर ड्रग वेयर हाउस का निरीक्षण किया गया। झुंझुनू में कोरोना की संभावित वापसी को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर आज जिले भर के सरकारी अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांटों का मॉक ड्रिल किया गया। श्रीगंगानगर के घरसाना थाना क्षेत्र में रोजड़ी बस स्टैंड पर बीती शाम शराब के नशे में युवक के द्वारा किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध में आज व्यापारी लामबंद हो गए और बाजारों को बंद कर विरोध जताया। उदयपुर की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक को काबू में रखने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस लगातार नए प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में दिल्ली गेट चौराहा पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, उदयपुर एसपी विकास शर्मा और नगर निगम के अधिकारियों ने दौरा किया।
राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल राजसमंद जिले के केलवाड़ा कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग की सुंदरता को निहारा। जैसलमेर को निहारने हजारों की तादाद में पर्यटक जैसलमेर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर अब तक जागरूकता की कमी नजर आ रही है। दुनिया सबसे संकटग्रस्त जीवों की लिस्ट में आने वाले धरती के सबसे पुराने जीवों में एक घड़ियाल पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। जयपुर में इसकी ब्रीडिंग भी खतरे में है। टोंक जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों का निरीक्षण कर जायजा लिया। देशभर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल के चलते जिला अस्पताल समेत सीएचसी और पीएचसी का भी निरीक्षण किया गया। आरोपी ने जुए में हारकर पत्नी के गहने गिरवी रख दिए, जिन्हें छुड़ाने को लेकर मानसिक दबाव में था। इस दौरान उसने जंगल में बकरी चरा रहे किशोर पर लूट की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, और जिससे उसकी मौत हो गई। कोटा में पुताई करते समय हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से तीन युवक झुलस गए, जिसमें से एक होमगार्ड के जवान की करंट लगने से मौत हो गई। जोधपुर के भुगरा गैस सिलेंडर ब्लास्ट में 9 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में कुल 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा मामले में 11 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। 8 दिसंबर को जोधपुर के भुंगरा में हादसा हुआ था। कोटा में कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाला। झुंझुनू के पिलानी में सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भरने पर उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू कर दी। विभाग ने जिले में 5500 से ज्यादा उपभोक्ता चिन्हित किए हैं। अलवर के भिवाड़ी में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और 2 से 3 महीने से बकाया वेतन दिलाने की मांग की। अलवर नगर परिषद में नगर परिषद आयुक्त की अधर्मिता और व्यवस्थाओं के खिलाफ 6 पार्षद नगर परिषद के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। सीकर के फतेहपुर में तड़के सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद 3 और गाड़ियों की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर घायल है। भरतपुर में सराफा दुकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने दुकान का शटर और गेट के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए। चूरू के सादुलपुर में घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में अभी तक गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया और थाने के सामने धरना देकर विरोध जताया। करसाना के श्रीगंगानगर थाना में रोजड़ी बस स्टैंड पर किराना व्यापारी पर की गई फायरिंग के विरोध में आज व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और बाजारों को बंद रखा। बाजार बंद कर व्यापारियों ने आरोपी सोनू जाट की गिरफ्तारी की मांग की। कल शाम को बस स्टैंड के पास किराना व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डूंगरपुर जिले के सदर थाना में एक बिहार के कारीगर की मौत हो गई। युवक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में 2.5 महीने पहले 40 मजदूरों के साथ काम करने आया था। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अब करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की पहल की गई। पीड़ितों का तीसरा बड़ा महासम्मेलन राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा पर स्थित मंडफिया में आयोजित हुआ। करौली में NH23 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के नगर पालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगर पालिका के दस्ते ने वार्ड नंबर 1 में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। उदयपुर के डबोक थाना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को मारुति वैन ने टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अलवर जिले के रामगढ़ में विवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया, जहां पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या की गई थी और उसे घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि महिला के पति ने दहेज के चलते अपने परिजनों के साथ मिलकर महिला की हत्या की थी। झुंझुनू में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और करीब 60 लाख रुपए की कीमत के पंजाब निर्मित अवैध शराब से भरे हुए कंटेनर को जब्त कर लिया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भीड़ चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की और चिड़ावा की ओर से आ रहे कंटेनर को जब्त कर लिया।
डूंगरपुर के असपुर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी की जनाक्रोश सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सवाईमाधोपुर जिले के बाली थाना क्षेत्र में सड़क किनारे एक युवक युवती और अचेत अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वही युवक की हालत गंभीर है और उसे माधोपुर रेफर किया गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से सड़क चौड़ा करने और सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे 13 गुमटियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किया गया। प्रतापगढ़ के उपखंड मुख्यालय पर NH 56 पर रोड पर अवैध अतिक्रमण के चलते दो ट्रोले आपस में टकरा गए, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अलवर में मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वालों के खिलाफ सरस डेयरी चेयरमैन का अभियान जारी है। सोमवार रात को सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सरस डेयरी चेयरमैन 2 किलोमीटर बाइक पर और इसके बाद पैदल चलकर मिलावटखोरों और सिंथेटिक दूध बनाने वाले कारखानों पर पहुंचे और उनको पकड़ लिया। इसके बाद वहां मौजूद करीब 2000 लीटर दूध को नाली में बहा दिया। कोटा में डटे प्रोफेसर और आरोपी छात्र के बीच की बातचीत के SIT टीम को 50 और ऑडियो मिले हैं। बातचीत की ऑडियो की SIT की टीम स्क्रिप्ट तैयार कर रही है। सीकर में मकर संक्रांति से पहले ही चाइनीज मांझे की बिक्री जोरों पर है। सीकर के कोतवाली पुलिस ने 3 जगह पर कार्रवाई कर चाइनीज मांझा बरामद किया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आज फिर से पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट से जल्द ही राहत मिलने वाली है। राज्य में जल्द ही 1100 मेगावाट का बिजली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में चल रहे विद्युत संकट के बीच श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट से राहत भरी खबर सामने आई। सुपर थर्मल पावर प्लांट के सब क्रिटिकल पावर स्टेशन की बंद पड़ी 250 मेगावाट क्षमता की 3 नंबर इकाई से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिधरा इलाके में मुठभेड़ की सूचना मिल रही है। आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए हैं। ट्रक से आए आतंकी एक घर में छिपे थे और इस दौरान सेना से आतंकियों की मुठभेड़ भी हुई। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हालांकि अभी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और जो सुरक्षा बल है वहां पर वो तैनात है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिधरा इलाके से खबर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों और कुछ आतंकियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बल और आतंकी आपस में भिड़े और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कुछ और आतंकी यहां पर हो सकते हैं। इसी आशंका को लेकर लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों में इससे पहले मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ये सभी ट्रक से आए हुए थे और एक घर में छिप गए थे। इसके बाद जो सुरक्षा बल थे वहां पर उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है। तो एक बार फिर से आतंकियों की ओर से नापाक साजिश यहां पर रचने की कोशिश की जा रही थी। आतंकी फिराक में थे किसी साजिश को अंजाम देने के, लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गाड़ियों को रोककर उनमें भी तलाशी ली जा रही है, लोगों के घरों में भी तलाशी ली जा रही है और चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी रखी जा रही है सुरक्षा बलों की ओर से, जिससे भी कोई भी आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब ना होने पाए। लगातार
सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट मोड पर हैं और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सुरक्षा बल है इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं और जगह जगह पर दबिश देते हुए तलाशी ली जा रही है, क्योंकि और भी आतंकी यहाँ पर छिपे हो सकते हैं और इसी आशंका को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल पैनी निगरानी रखे हुए हैं। इससे पहले मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों में और आतंकियों में, और बड़ी खबर है कि 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। ट्रक में अभी आग लगी हुई है, ट्रक की आग को अभी बुझाया जा रहा है और बुझाने के बाद जब तलाशी होगी तब संख्या बराबर बताई जा सकती है, लेकिन 2 से 3 कम से कम आतंकी होने की संभावना है। ये 26 जनवरी के मद्देनज़र हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था, जो हाईवे QRT है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया। तो आतंकियों से मुठभेड़ की सूचना सामने आ रही है जिसकी तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सेना के अधिकारी ने इसे लेकर ज्यादा जानकारी भी दी है और बताया जा रहा है कि जिस ट्रक से ये आतंकी यहां पर पहुंचे थे उसमें फिलहाल आग लगी हुई है, कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की, जिसके बाद ये पुख्ता जानकारी निकल कर सामने आ पाएगी कि कितने आतंकी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन बड़ी राहत की बात है, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और सर्च ऑपरेशन लगातार पूरे इलाके में जारी है। ट्रक से ये सभी आतंकी इस इलाके में पहुंचे हुए थे, सिंदरा इलाका बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर का, जहां पर आतंकी अपने गलत मंसूबे को लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। तो सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार पूरे इलाके में जारी है। जो सेना के जो जवान हैं, जो सुरक्षा बल हैं, वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है सेना के जवानों द्वारा, जिससे कि जो आतंकी छिपे हो सकते हैं, हालांकि कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि और भी आतंकी हो सकते हैं, लेकिन आशंकाएं हैं और इसी के लिए जो सुरक्षा बल हैं वो अलग अलग जगहों पर तलाशी ले रहे हैं। वाहनों को रोककर सघन चेकिंग भी की जा रही है, क्योंकि किसी भी वाहन में आतंकी हो सकते हैं और एहतियात के तौर पर सभी वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही है, अलग अलग जगहों पर चेकिंग की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गौ तस्करी पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गौ रक्षकों और पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने गायों से भरी गाड़ी को पकड़ा है। पिकअप में कुल 7 गायें भरी हुई थी, जिनमें 1 गाय मृत बताई जा रही है। सभी गायों को गौशाला में पहुंचा दिया गया है। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गौ तस्करी से जुड़ी ये बड़ी खबर। और गौ तस्करी पर नकेल कसने के लिए गौ रक्षकों और पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गायों से भरी हुई पिकअप को जब्त किया गया और इस पिकअप में गायें ठूस ठूस कर भरी हुई थी। 7 गायें बताया जा रहा है इसमें भरी हुई थी, जिनमें 1 गाय की मौत हो चुकी है। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, इंदिरा रसोई में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कंप्यूटर और गैस सिलेंडर पार कर लिया गया। इंदिरा रसोई संख्या 967 बनाड मोड पर यह चोरी की गई है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इंदिरा रसोई में ताला तोड़कर चोरी की गई है। यहां पर रखा कंप्यूटर और गैस सिलेंडर लेकर चोर मौके से फरार हो गए हैं। इंदिरा रसोई संख्या 967 की घटना बताई जा रही है। बनाड रोड पर यह इंदिरा रसोई स्थित है, जहां पर चोरी की गई है। फिलहाल चोर अज्ञात हैं, पता नहीं चल सका है कि ये चोर कौन है, लेकिन पुलिस
अज्ञात चोरों को पकड़ने में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और लगातार पुलिस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो चोर हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया गया है और पुलिस अब इन चोरों की तलाश में जुटी है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंदिरा रसोई में चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। यहां पर रखा कंप्यूटर और गैस सिलेंडर लेकर चोर मौके से फरार हो गए हैं। एक बार फिर से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का आज स्थापना दिवस है और इसे लेकर पीसीसी में झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर इस वक्त कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज चाहे हम सत्ता में है या नहीं है, पर आप देखते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत है, वो अड़ी है। राहुल गांधी जी ने भी कहा था अभी, हमारी लड़ाई नीतियों की है, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की है। आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में वो जारी रहेगी। संविधान की रक्षा करने में हम लोग सक्षम हैं। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के, जिस प्रकार खड़गे साहब अब अध्यक्ष बने हमारे नए, आप देख रहे हैं कि एक दलित वर्ग का व्यक्ति। पूरे देश के अंदर एक नया माहौल बना है, उसी के सानिध्य में हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर जो यात्रा समाप्त होगी राहुल जी की, उसके बाद नए प्रोग्राम दिए गए हैं, उन प्रोग्रामों को लेकर हम लोग गली गली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए देश भर के अस्पतालों में कोविड 19 की मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों को देखा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किए गए ड्रग्स को लेकर के डीजीपी आशीष भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भाटिया ने कहा कि यह कोस्ट गार्ड और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। करीब 300 करोड़ की 40 किलो ड्रग्स यहां से बरामद की गई। भारत पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजित 22 मेघालय के उमरोई में चल रहा है। ये सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में चल रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी, तब इसे प्रबल दोस्ती नाम दिया गया था। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस तनिषा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार गोरदेव शमशान भूमि पर किया गया। 20 साल की एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था और परिवार करीब। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है।
कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए देश भर के अस्पतालों में कोविड 19 की मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों को देखा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किए गए ड्रग्स को लेकर के डीजीपी आशीष भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भाटिया ने कहा कि ये कोस्ट गार्ड और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। करीब 300 करोड़ की 40 किलो ड्रग्स यहां से बरामद की गई। भारत पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजित 22 मेघालय के उमरोई में चल रहा है। ये सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में चल रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी, तब इसे प्रबल दोस्ती नाम दिया गया था। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस तनिषा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार गुरुदेव शमशान भूमि पर किया गया। 20 साल की एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था और परिवार, करीबी और फैंस इससे काफी निराश हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम गैंग्स ऑफ राजस्थान का खूनी इंतकाम। गैंग वॉर मतलब अपराध की दुनिया में बादशाहत का खूनी खेल, करोड़ों की उगाही, रुतबा और साथ चलने वाले खूनी लड़ाके जो चंद रुपए के लिए जान देने या फिर जान लेने से पीछे नहीं हटते हैं। जी हां, यही है गैंगस्टर्स की कहानी का असली सच। और साल 2022 बीतने वाला है और हम बात कर रहे हैं साल की उन सबसे बड़ी गैंग वॉर की जिसमें राजस्थान की धरती बार बार लाल हुई और अपराध की शरण स्थली का ठप्पा भी राजस्थान पर लगा। आपको हम बताएंगे कि आखिरकार प्रदेश में दहशत फैलाने वाली गैंग्स का पूरा सच और हाल क्या है और इनकी क्राइम कुंडली की पड़ताल करेंगे। देखिए हमारा खास कार्यक्रम गैंग्स ऑफ राजस्थान। साल 2022 में जब थर्राया राजस्थान, वर्चस्व की जंग में खूनी इंतकाम, विदेश में बैठे आका के नाम पर धमकी, पंजाब हरियाणा के गैंगस्टर्स को भाया राजस्थान। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोइंग वाला डॉन, जब सीकर बॉस की हुई हत्या तो कांपा राजस्थान। लॉरेंस रोहित गोदारा और राजू ठेहट का कनेक्शन, देवा गुर्जर से राजू ठेहट मर्डर तक की खूनी कहानी। उगाही वाले धंधे में रिस्क तो है, लेकिन कहते हैं कि पैसा और रुतबा बगैर जोखिम लिए कहां आता है। एक इशारे पर खून बहाने वालों को एक गैंग जो दूर बैठे अपने आका के इशारे पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। हालांकि बादशाह के इस खूनी खेल में खून बहना भी लाजमी है और वैसा ही साल 2022 में भी हुआ, जबकि देवा गुर्जर की हत्या से शुरू हुई खूनी लड़ाई दिसंबर में राजू ठेठ के मर्डर तक बदस्तूर जारी रही।
देवा गुर्जर मर्डर से थर्राया था प्रदेश। लाखों की फॉलोइंग वाले डॉन का मर्डर, चंबल वाली कहानी पुरानी हुई, यह है नए जमाने के अपराधी की कहानी। पुलिस के बही खातों में बेशक उसका नाम एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज था, लेकिन वो था लाखों का चहेता। सोशल मीडिया पर इस डॉन के पोस्ट किए वीडियोस और उसकी फैन फॉलोइंग ने एक नए विमर्श को जन्म दिया। आपको बताएंगे देवा गुर्जर की कहानी, लेकिन पहले बता रहे हैं उस डॉन के मर्डर की कहानी जो साल 2022 की सबसे बड़ी कहानी है। पुलिस भले ही उसे अपराधी मानती थी, लेकिन जब सोशल मीडिया वाले डॉन की हत्या हुई तो राजस्थान के कोचिंग सिटी कोटा और आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। वो जितना मशहूर था उसे मौत भी उतनी ही भयानक मिली। 4 अप्रैल 2022 की तारीख थी जब देवा रावत भाटा कस्बे के एक सैलून में शेविंग करवाने पहुंचा, लेकिन इस रोज मौत पहले ही घात लगाए उसका इंतजार कर रही थी। दाखिल हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि पीछे से दंदनाते हुए दसियों बदमाशों ने उस सैलून पर धावा बोल दिया, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लाठी डंडे तलवार और फरसों से लैस बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बीच बाजार में हुए इस हमले से पूरे रावत भाटा कस्बे में सनसनी फैल गई। देवा को निशाना बनाकर अपराधी बड़े आराम से सैलून से निकल भागे। पुलिस की मौजूदगी में जब लोगों ने देवा को नजदीक से देखा तो लोग दंग रह गए, क्योंकि अपराधियों ने काफी निशंस तरीके से देवा गुर्जर को मारा था। गोलियों के साथ ही देवा के जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर काटे जाने के 18 निशान थे। देवा की मौत के बाद काफी हंगामा मचा, कई दिनों तक उसके समर्थकों ने बंद रखा। पुलिस के लिए देवा गुर्जर मर्डर बड़ी मुश्किलें लेकर के आया, लेकिन एसआईटी ने अपनी जांच में खुलासा किया वो हैरान करने वाला था, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त बाबूलाल गुर्जर निकला मर्डर का मास्टरमाइंड। बाबूलाल गुर्जर से करीब 6 महीने पहले ही देवा गुर्जर की दोस्ती हुई थी, यहां तक कि दोनों अक्सर साथ रहते थे और साथ साथ सोशल मीडिया में वीडियोज भी बनाने लगे थे। पुलिस हत्या के मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर समेत 26 आरोपियों को पकड़कर जेल भिजवा चुकी है। देवा गुर्जर कोटा जिले के बोराबास गांव का रहने वाला था। वैसे देवा गुर्जर अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, वो दूध बेचने का काम करता था, लेकिन अपनी सोशल मीडिया पर लोकप्रियता की वजह से वह कुछ लोगों के संपर्क में आया और उसके दिन बदल गए। देवा और उसकी दो पत्नियों की कहानी भी सोशल मीडिया पर काफी मशहूर थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोगों के दिलों में जगह बनाने वाला देवा अपराध की दुनिया के उसूलों के आगे नहीं टिक पाया। कहते हैं कि यहां जो आया हो वो या तो मारेगा या मरेगा। देवा भले ही अपने करीबी की गद्दारी का शिकार बना हो, लेकिन उसकी मौत साल 2022 की सबसे बड़ी खबर रही। देवा गुर्जर हत्याकांड के करीब 8 महीने बाद फिर राजस्थान में एक बड़े गैंगस्टर की हत्या ने सुर्खियां बटोरी, और यह हत्या थी सिकर बॉस के नाम से कुख्यात राजू ठेठ की। कहते तो हैं कि राजस्थान के क्राइम वर्ल्ड में वो सबसे लंबे समय तक राज करने वाला गैंग लीडर था, और उसका खूनी खेल करीब करीब 2 दशक से ज्यादा वक्त से चल रहा था। तीन दिसंबर को फिर दहला शेखावटी। ९४ से शुरू हुई बादशाहत 2022 में खत्म।
3 दिसंबर को सीकर शहर गोलियों की गूंज से थर्राया। 50 राउंड से ज्यादा की फायरिंग से अंदेशा हो गया था कि कहीं ना कहीं ये किसी गैंगवार का ही खूनी अंजाम है। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची तो हुआ असली अंदाजा, क्योंकि यहां मर्डर हुआ था। राजस्थान में ऑपरेट करने वाले शेखावटी में अपराध की दुनिया के सबसे बड़े बॉस यानी सीकर बॉस का राजू ठेहट का। राजू की हत्या के बाद बीकानेर से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस का सबसे खास गुर्गे रोहित गोदारा की चर्चा फिर आम है, क्योंकि उसकी गैंग ने सीधे तौर पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस सीधे तौर पर तो अभी तक इस मामले की कड़ियां नहीं जोड़ पाई है। लेकिन आपको बता दें कि राजू ठेहट हत्याकांड में अब तक 1 दर्जन लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। अब पुलिस ने जिस नेमी चंद को गिरफ्तार किया है, ये वही शख्स है जिसने शूटर्स को घटना स्थल से भागने के लिए एक गाड़ी का इंतजाम किया था। नेमी चंद की ओर से मुहैया करवाई गई क्रेटा गाड़ी की अदला बदली कर शूटर पुलिस को चकमा देकर भागे थे। राजू ठेहट की हत्या में शामिल बाकी आरोपियों पर पुलिस पहले ही शिकंजा कस चुकी है। दरअसल आनंद पाल के धुर विरोधी रहे राजू ठेहट को ठिकाने लगाकर रोहित गोदारा ने पुराना बदला चुकाया है। दरअसल पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस, हरियाणा का काला जठेड़ी और राजस्थान से आनंद पाल की गैंग अपराध की दुनिया की कुख्यात सिंडिकेट था। वो साल था 1994 जब शेखावाटी में शुरू हुई थी राजू ठेहट के अपराध की कहानी। राजू ठेहट के साथ बलवीर बानुड़ा, ये दो नाम थे जिन्होंने शेखावाटी को बनाया अपराध का अड्डा। शराब कारोबार से दोनों की हुई थी दोस्ती। दूध बेचने वाले दोनों दोस्तों ने शराब के कारोबार में सिक्का जमाया। बदलने लगी उनकी लाइफ स्टाइल और बढ़ने लगा इलाके में रसूख। वो साल था 1998 जब राजू और बलवीर बानुड़ा का सीधे अपराध से नाम जुड़ा। दोनों ने मिलकर प्रतिद्वंदी भैरा राम की हत्या कर दी और यहीं से शुरू हुआ शेखावाटी के लाल होने की कहानी। हालांकि पहले कुछ साल राजू ठेहट और बलवीर की दोस्ती खूब चली, लेकिन कहते हैं कि रुतबा और पैसा दोस्ती को ज्यादा देर तक कायम रहने नहीं देता। इस दोस्ती को नजर लगी और उसके बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया, लाशें बिछती चली गई। साल 2004, सीकर में जीर्ण माता मंदिर के पास शराब की दुकान को लेने के बाद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलती चली गई। तब बलवीर के साले विजयपाल की राजू ने हत्या करवा दी। साल 2012 में राजस्थान पुलिस ने बलवीर, आनंद पाल और राजू तीनों को गिरफ्तार कर लिया और एक ही जेल में बंद कर दिया। इस दौरान सीकर जेल में राजू पर हमला हुआ, लेकिन वो बाल बाल बच गया। साल 2014 में बीकानेर सेंट्रल जेल में राजू ने बलवीर और आनंद पाल को मारने की योजना रची और बलवीर की मौत हो गई, लेकिन आनंद पाल बच गया। बलवीर बानुड़ा की हत्या के बाद से ही उसका बेटा सुभाष बानुड़ा गैंगस्टर राजू से बदला लेने की फिराक में था। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर ने सब बदल दिया। साल 2017 में इस बीच राजस्थान में अपराध का पर्याय बन रहे नामी गैंगस्टर आनंद पाल को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब राजू से बदला लेने की बलवीर के बेटे सुभाष की आखिरी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। तभी लॉरेंस गैंग ने आनंद पाल की गैंग को संभाला और उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद लॉरेंस गैंग से बलवीर के बेटे सुभाष ने भी संपर्क किया और इस खूनी गठजोड़ का अंजाम था सीकर बॉस राजू ठेहट की हत्या। राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर की हत्या के बाद सवाल उठा कि क्या राजस्थान की धरती से गैंगवार खत्म हो जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि राजू ठेहट की हत्या ही हुई है वर्चस्व की जंग में और अब रोहित गोदारा राजस्थान का नया गैंग लीडर बनना चाहता है, क्योंकि गोदारा से जुड़ा हुआ है लॉरेंस गैंग का नाम।
सीकर बॉस का हत्यारा, लॉरेंस का खास गुर्गा रोहित गोदारा, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुख्यात हो चुके रोहित गोदारा की कहानी भी बेहद खास है। कहा जा रहा है कि राजस्थान का डॉन बनने के लिए गोदारा ने लॉरेंस की शह पर राजू का काम तमाम किया। राजू की हत्या के फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी और इसकी साजिश 9 महीने पहले से ही रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक बीकानेर के लून करंसर में इसकी साजिश रची गई थी। इसके लिए रोहित ने शूटर्स को 10 अप्रैल को लून करंसर बुलाया था, फिर शूटर्स को सीकर जाने के लिए कहा था। गोदारा ने शूटर्स को कहा था कि एक बड़े अपराधी को मारने का टारगेट है। रोहित गोदारा गैंग ने राजू की हत्या के लिए भेजे शूटर्स को सेमी ऑटोमेटिक हथियार देकर टारगेट पर निशाना लगाने की ट्रेनिंग भी दी थी। पुलिस पूछताछ में इसका खुलासा हुआ है कि गैंग ने शूटर्स को लोडेड पिस्टल दी थी और हमेशा उन्हें साथ रखने की हिदायत भी दी थी ताकि मौका मिलते ही राजू ठेठ की हत्या की जा सके। पुलिस सूत्रों का दावा है कि ठेठ हत्याकांड में कुल 73 राउंड फायरिंग हुई। हत्या से पहले शूटरों को टारगेट पर निशाना लगाने के लिए 7 राउंड फायरिंग करवाई गई। इसके बाद शूटर्स ने हत्या के समय 54 राउंड फायर किए। बाद में शूटर्स ने मुठभेड़ में पुलिस पर 8 राउंड फायर किए। दरअसल राजू का काम तमाम करने के लिए रोहित ने हरियाणा के भिवानी के नवीन बॉक्सर गैंग से संपर्क किया। गैंग के शार्प शूटर सीकर में छात्र बनकर आए और 1 महीने तक रेकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया। सीकर में राजू ठेठ की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट करके ली थी। रोहित गोदारा ने कहा था कि आनंद पाल सिंह और बलवीर बानूड़ा की मौत का बदला लिया है, बाकी दुश्मनों से भी जल्द ही मुलाकात होगी। माना जाता है कि रोहित गोदारा कनाडा से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। हिस्ट्री शीटर रोहित के साथ करीब 150 शूटर्स हैं। रोहित गोदारा विदेश जाने से पहले बीकानेर के लून करंसर में रहता था। चूरू के सरदार शहर में 2019 में भीमराज सारण की हत्या के मामले में गोदारा मुख्य आरोपी था। रोहित के खिलाफ बीकानेर सहित चूरू और जयपुर में करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। 2019 में रोहित जेल गया लेकिन साल 2022 में उसकी जमानत हुई थी। मई में वो बीकानेर के जयपुर जोधपुर बाईपास से फरार हो गया था। कहा जाता है कि रोहित गोदारा जब सिर्फ 19 साल का था तभी से वो अपराध की दुनिया में एंट्री ले चुका था। अब तक वो करीब 15 बार जेल जा चुका है। राजस्थान के अलावा हरियाणा और पंजाब पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। उसके खिलाफ 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजस्थान पिछले कुछ वक्त से गैंगस्टर्स का नया ठिकाना बन रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स अपने गुर्गों के मार्फत देश भर में दहशत फैलाते हैं। पंजाब हरियाणा की जगह राजस्थान नए बन रहे अपराधी गैंग की शरण स्थली बन रहा है। अब आपको बताते हैं राजस्थान के गैंगस्टर्स की क्राइम कुंडली। राजस्थान में पिछले 5 साल में पंजाब के नामी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम उभर कर सामने आया है। साल 2017 में आनंद पाल का एनकाउंटर के बाद इस गैंग के कई सदस्यों को लॉरेंस ने अपने साथ जोड़ा। शार्प शूटर संपत नेहरा के साथ लॉरेंस ने न सिर्फ आनंद पाल की जगह ली बल्कि राजस्थान में अपना दबदबा बढ़ाया। वर्ष 2017 में एक हत्या की सुपारी लेकर जोधपुर में आए लॉरेंस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तभी से लॉरेंस ने राजस्थान को अपना ठिकाना बनाया। बीकानेर में लून करणसर का रोहित गोदारा, जो कभी आनंदपाल सिंह और बलबीर गैंग का गुर्गा हुआ करता था, अब वो लॉरेंस गैंग का
सबसे खास सदस्य बन गया। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उनका गैंग राजस्थान के कई जिलों में जेल से ही ऑपरेट हो रहा है। वर्ष 2017 में आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद उसकी गैंग बिखर गई थी। ऐसे में राजू ठेहट गैंग का शेखावाटी में वर्चस्व बढ़ गया था। दर्जनों मुकदमों में आरोपी रहे राजू ठेहट की गैंग का गैंगस्टर आनंदपाल की मौत के बाद कोई विरोधी गुट नहीं रहा था। वहीं राजू ठेहट ने अपना ठिकाना सीकर से अलग जयपुर को बनाया, लेकिन राजू ठेहट के जयपुर में रहने की सूचना पर पुलिस हरकत में आई और राजू ठेहट को 3 मार्च 2022 को महेश नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने राजू ठेहट को जयपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में राजू ठेहट सीकर में ही अपने ठिकाने पर परिवार के सदस्यों के साथ रहने लगा। राजू ठेहट शेखावाटी में बड़ा नाम था। उसकी गैंग में वर्तमान में करीब 200 से ज्यादा लोग सक्रिय थे। शेखावाटी में राजू ठेहट की गैंग आरटीजी ग्रुप के नाम से चलती है। तो साल 2022 राजस्थान में अपराध और गैंग वॉर के नाम रहा और इस तरह की घटनाएं न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी मुश्किल का सबब बनी हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 2023 में राजस्थान को अपराध और गैंग वॉर की घटनाओं से मुक्ति मिल सके। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए देशभर के अस्पतालों में कोविड 19 की मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों को देखा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किए गए ड्रग्स को लेकर के डीजीपी आशीष भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भाटिया ने कहा कि यह कोस्ट गार्ड और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। करीब 300 करोड़ की 40 किलो ड्रग्स यहां से बरामद की गई। भारत पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 22 मेघालय के उमरोई में चल रहा है। ये सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में चल रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी, तब इसे प्रबल दोस्ती नाम दिया गया था। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस तनिषा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार गुरुदेव शमशान भूमि पर किया गया। 20 साल की एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था और परिवार, करीबी और फैंस इससे काफी निराश हुए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। कई विषयों को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई है। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि मर्सिडीज कार में चालक के अलावा प्रहलाद मोदी के साथ उनका एक बेटा, बहू और एक पोता भी साथ थे। हादसे में प्रहलाद मोदी, बहू और पोते को गंभीर चोटें आई हैं, तो उनके मर्सिडीज कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि सभी लोगों का इलाज चल रहा है। ओडिशा के रायगढ़ में दो रूसी नागरिकों की मौत हो गई। इनमें से एक यहां के सांसद थे, दूसरा व्यक्ति उनका दोस्त था। दोनों ही व्यक्ति कथित तौर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक थे। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने मंगलवार को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें उनके वेबसाइट उनके बेडसाइड टेबल पर रखी अमेरिकी संविधान पर एक किताब दिखाई दे रही है। किताब को लेकर मस्क
उधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने पेपर लीक मामले के लिए आरपीएससी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा मांगा। उधर अलवर में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच करने के लिए मॉकड्रिल आयोजित की गई है। कालाकुआं स्थित सेटेलाइट अस्पताल में मॉकड्रिल की गई। उदयपुर में सिख समाज और गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन दरबार सेक्टर 11 के संयुक्त तत्वावधान में पहला वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। तो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना इलाके के सबलपुरा गांव में एक व्यक्ति गांव में सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो उसका शव गांव के ही कुएं में पाया गया। उधर बारा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव के मामले का खुलासा कर दिया और पुलिस ने इस पूरे ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। भारतीय महिला कुश्ती का नाम पूरे दुनिया में रोशन करने वाली दंगल गर्ल बबीता फोगाट एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चित्तौड़ प्रांत के 58वें अधिवेशन कार्यक्रम में शिरकत की। बीकानेर के राजकीय महाविद्यालय छत्तरगढ़ में परीक्षा केंद्र की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने प्रधानाचार्य और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। चूरू में व्यवस्थाओं को लेकर सुधार करने की मांग पर रेहड़ी यूनियन संगठन की ओर से कांग्रेस के मनोनीत पार्षद और रेहड़ी यूनियन अध्यक्ष के नेतृत्व में कच्चा बस स्टैंड के आगे मुख्य सड़क पर जाम लगा करके प्रदर्शन किया गया। धौलपुर में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा एक कैदी धौलपुर जेल के खुली जेल से 3 दिसंबर को फरार हो गया था, इसे पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु संबंधी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करने राज्य स्तरीय मुस्कान टीम अस्पताल पहुंची। इस दौरान टीम ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और सुपरिंटेंडेंट की टीम से मुलाकात की। उधर जैसलमेर में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीना ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड का वर्चुअली शुभारंभ किया। मंत्री सालेम मोहम्मद और विधायक रूपाराम धंडे हेलीकॉप्टर जॉय राइड के ट्रायल रन में मौजूद रहे। तो विप्र फाउंडेशन की ओर से झालावाड़ में अमृत भारत रत्न परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान शहर में ढोल बाजे के साथ यात्रा प्रमुख मार्गों से निकाली गई। तो झुंझुनू में भी जिला मुख्यालय स्थित बीडी के अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने अस्पताल में स्थापित 5 ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण किया है। मॉकड्रिल करते हुए बारीकी से व्यवस्थाओं को देखा। जोधपुर में इस बार विदेशी के मुकाबले देशी सैलानी ज्यादा पहुंचे हैं। सर्दी, कोरोना की मार और महंगाई से इतर पर्यटक यहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन व्यापारियों में पहले जैसा उत्साह अभी नजर नहीं आ रहा। करौली के टोडा भीम में करौली से सीटीओ और दिल्ली से पहुंची जीएसटी की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। कस्बे के व्यापारियों में इससे हड़कंप मच गया। इस दौरान व्यापारी के बेटे ने जैसे ही भनक लगी दुकान के रिकॉर्ड और बही खातों को एक प्लास्टिक के बोरे में डाल करके दूसरे घर में फेंक दिया, जिसे टीम ने खोज निकाला और अपने कब्जे में लेकर जांच जारी है। कोटा में 2 परीक्षार्थियों वाला परीक्षा सेंटर चर्चा का विषय बना रहा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन स्थित सेंटर पर 3 परीक्षार्थियों का नामांकन था। पंजाबी भाषा के पेपर में मात्र 2 परीक्षार्थी ही मौजूद रहे। तो नागौर जिले की रियाबड़ी सीएससी को नई एम्बुलेंस मिली है। रियाबड़ी पंचायत समिति के उपप्रधान गोविंद करण डांगा ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजसमंद में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों का तीसरा बड़ा महासम्मेलन मंडफिया में आयोजित किया गया। सीकर के खंडेला में भाजपा की जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो टोंक जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ की पीपलकोट थाना पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लूटपाट और मारपीट कर पैसे हड़पने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अलवर जिले के बांसूर में उपखंड मुख्यालय पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने तमाम ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। बांसूर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके में एक बिहार के कारीगर की मौत हो गई, पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की नगर पालिका की ओर से पिछले कुछ दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में सुबह नगर पालिका के दस्ते ने वार्ड संख्या 1 से अतिक्रमण हटाए। तो उदयपुर के दबोक थाना इलाके में सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। मॉर्निंग वॉक पर निकले बच्चों को मारुति वैन ने टक्कर मारी। अलवर जिले के रामगढ़ इलाके में विवाहिता की मौत मामले को लेकर के पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या की गई थी।
न्यूज के सह प्रायोजक महात्मा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत के जम्मू कश्मीर के सिंदरा में आतंकी साजिश फेल। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। ट्रक से आए थे दहशतगर्द। एक सौ 37 साल की हुई कांग्रेस पार्टी। स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यक्रम। जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने किया झंडारोहण। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर किया हमला। कहा संविधान की रक्षा करने में हम सक्षम। जयपुर में कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन। प्रदेश प्रभारी रणदीप हवा विधायकों से करेंगे 1-to-1 संवाद। 25 सितंबर की घटना के बाद पहली बार होगा संवाद। पेपर लीक गैंग के सरगना भूपेंद्र सारण के ठिकानों पर छापे। पत्नी और उसके भाई की पत्नी और प्रेमिका सहित 6 गिरफ्तार। घर से कई फर्जी डिग्री और मार्कशीट बरामद। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर की आज फिर से कोर्ट में पेशी। रिमांड के दौरान किए कई खुलासे। अपने चाहते स्टूडेंट्स को खाली पुस्तिका में भी दिए थे नंबर। करीब 30 उत्तर पुस्तिकाएं जब्त। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में 2 गुटों में जमकर चले पत्थर। पथराव से आसपास की गाड़ियों के टूटे शीशे। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। सर्दी से राजस्थान में बढ़ी ठिठुरन। कारों की छतों पर जमी बर्फ। प्रदेश में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ। नए साल से पारा और गिरने के आसार। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाहत बरकरार। लगातार 12वें हफ्ते भी पहले नंबर पर। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर से करेंगे। जालौर से यह बड़ी खबर है। पेपर लीक कांड से बहुत बड़ी खबर आपको बता दे। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के भारत छोड़ने की खबर सामने आ रही है। पेपर लीक के दोनों मास्टरमाइंड ने नेपाल भागने की खबर मिल रही है। पुलिस को भूपेंद्र सारण के घर से अहम दस्तावेज भी मिले हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें। मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के भारत छोड़ने की खबर सामने आ रही है। भारत छोड़कर ये दोनों नेपाल में फरार हो गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोनों मास्टरमाइंड पेपर लीक से जुड़े दोनों मास्टरमाइंड के नेपाल भागने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस को भूपेंद्र सारण के घर से अहम दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पुलिस गिरफ्तारी करती चली जा रही है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दे, जो दो मास्टरमाइंड थे उनके नेपाल भागने की खबर सामने आ रही है। हालांकि कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक के दोनों मास्टरमाइंड के नेपाल भागने की खबर मिल रही है। पुलिस की ओर से लगातार दबिश दी जा रही है, कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द दोनों आरोपियों को पकड़ने की। तो आरपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस कांड में एक एक कर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं और इसके साथ ही कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द दोनों मास्टरमाइंड को पकड़ लिया जाए। और जालौर से सहयोगी श्याम सुंदर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनके पास चलेंगे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। श्याम, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर,
दोनों मास्टरमाइंड नेपाल फरार हो गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? आदित्य से प्रियंका, बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिसके अंदर पेपर लीक का मास्टरमाइंड और सरगना भूपेंद्र सारण है वो भारत छोड़कर के नेपाल जाने की सूत्रों के हवाले से अहम जानकारी हमारे सामने आ रही है, जिसके अंदर जो पूर्व में भी भर्ती परीक्षाओं के अंदर संलिप्त ये जो भूपेंद्र जो सारण है ये कई प्रकार की भर्ती परीक्षाओं का पेपर गिरोह के सरगनाओं से लंबा तार था। हरियाणा की एक गैंग से भी उसके संपर्क होने की जानकारी और आरपीएससी के अंदर कुछ ऐसे अधिकारियों के साथ भी उसके लिंक होने की जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से जो भूपेंद्र सारण है, जिस तरीके से लगातार पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, जयपुर के अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही उसने पूरी तरीके से भारत छोड़ करके भागने की प्लानिंग पहले ही बना ली थी। इस तरीके से जानकारी सामने आ रही कि दोनों मास्टरमाइंड सुरेश व भूपेंद्र के भारत छोड़ करके नेपाल जाने की जानकारी सामने आ रही, क्योंकि जयपुर के अंदर लगातार भूपेंद्र के तमाम ठिकानों पर दबिशों का दौर भी जारी है और वहां से अहम दस्तावेज व फर्जी डिग्रियां सैकड़ों की संख्या में मिली है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की, राजस्थान से बाहर की, जो हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, अलग अलग जो राज्यों से संचालित होने वाली यूनिवर्सिटियों की फर्जी दस्तावेज व डिग्रियां मिली है, क्योंकि ये डिग्रियों के मार्फत ही अलग अलग लोगों को नौकरी लगाने की प्लानिंग चल रही थी। और अहम जानकारी एक प्रियंका ये भी सामने आ रही है कि ये जो इसकी गर्लफ्रेंड थी उसको भी कुछ पिछली भर्ती परीक्षा यानी कि शारीरिक शिक्षक के अंदर उसका चयन करवाया गया था, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि उसका अभी तक जो है जानकारी में सामने आया कि उसकी जो पोस्टिंग है वो नहीं हुई है, लेकिन गर्लफ्रेंड को भी पिछली भर्ती परीक्षा में उसने नौकरी दिलवाई थी, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। भूपेंद्र सारण का जो है लिंक कई जगहों से संपर्क सामने आ रहा है, राजस्थान के साथ साथ गुजरात कनेक्शन भी सामने आ रहा है, हरियाणा कनेक्शन विशेष रूप से सामने आ रहा है। हरियाणा की एक जो टीम है वो आरपीएससी के बीच में मध्यस्थता करवाने की ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तमाम प्रकार की एक के बाद एक क्लू है वो भूपेंद्र सारण से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सारण के पिता है बाबूराम, उन्होंने भी प्रॉपर्टी सीज को लेकर सरकार एक्शन में है, इसको लेकर पुलिस की ओर से जानकारी जुटाने के साथ ही भूपेंद्र सारण के पिता ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। उनका कहना है कि भूपेंद्र के नाम से यहाँ पर कोई संपत्ति नहीं है, कोई जमीन नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी नहीं, यानी कि पूरी तरीके से ये मास्टरमाइंड है, अपने नाम से कोई संपत्ति बनाते ही नहीं, अलग अलग लोगों के नाम से ये संपत्ति तैयार करते हैं, उसके नाम पे दस्तावेज तैयार करके इस तरीके की ब्रेक प्लानिंग है वो सामने आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से जो भारत छोड़ने की सूचना है, ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होगी, आखिर ये मास्टरमाइंड है कब पुलिस के हत्थे चढ़ेगा और आरपीएससी भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए तार आखिर कब खुल पाएंगे। जी प्रियंका, बिल्कुल श्याम, अगर ये भारत छोड़कर वाकई में फरार हो गए तो पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन श्याम, पत्नी, भाई की पत्नी और गर्लफ्रेंड को भी पकड़ा गया है, इनसे कोई पूछताछ चल रही है, कोई खुलासे हुए हैं क्या इस मामले को लेकर? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से जयपुर के दोनों आवास से पुलिस की ओर से जो पत्नी है और गर्लफ्रेंड है भूपेंद्र की, उनको पकड़ा गया है, तो गर्लफ्रेंड से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में काफी कुछ निकल के सामने आया। गर्लफ्रेंड ने बहुत कुछ पुलिस के सामने जो है मुंह खोला है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से ऑफिशियली बयान नहीं दिया गया, लेकिन जानकारी ऐसी आ रही है कि गर्लफ्रेंड भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर जो लीक करने के साथ उन लोगों के साथ संपर्क में थी। पेपर मैनेजमेंट की बात करें, सॉल्व की टीम की बात करें, या पेपर कहां से लाना है, इसके अंदर भी भूपेंद्र जो सारण है उसकी गर्लफ्रेंड का अहम रोल बताया जा रहा है। और पुलिस के जो हमारे सूत्र है उनका यह कहना कि गर्लफ्रेंड ने भूपेंद्र से जुड़ी हुई पूर्व की भी कई प्रकार के बड़े खुलासे किए हैं। हालांकि पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में तमाम जो है कड़ियों को बाद खुलासा करेगी, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका जानकारी में सामने आ रही है कि ये जो गर्लफ्रेंड है उसका अलग से मकान जयपुर में दिला हुआ था, उसका तमाम प्रकार का खर्चा है वो भूपेंद्र वहन करता था और उसकी वाइफ थी वो अलग मकान में रहती, यानी कि इस तरीके के जो तमाम ठिकाने थे उसका हाई प्रोफाइल मैनेजमेंट था और उसकी गर्लफ्रेंड है, उनके कंधे से कंधे मिलाकर तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के अंदर उनके साथ शामिल नजर आ रही है। जी प्रियंका, बिल्कुल श्याम, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है क्योंकि जैसे ही आरपीएससी पेपर लीक का खुलासा हुआ, पुलिस लगातार जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए भी जुटी हुई थी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले ये बता दें भूपेंद्र सारण के पिता बाबूराम बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया, भूपेंद्र के नाम से सांचौर के पराबा में कोई भी संपत्ति नहीं है, भूपेंद्र सारण के नाम से न मकान है, न जमीन और न ही कोई गाड़ी। पुलिस को पेपर लीक कांड से जुड़े सवालों की जानकारी दी गई है। तो भूपेंद्र सारण के पिता बाबूराम बिश्नोई की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र के नाम पर कोई भी संपत्ति नहीं है, ना मकान भूपेंद्र के नाम पर है, ना गाड़ियां भूपेंद्र के नाम पर है। तो इससे ये पता चल रहा है
श्याम बहुत स्मार्टली पूरे वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे कि पकड़े जाने पर भी किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए और बड़े आराम से फरार भी हो गया वो। निश्चित तौर से प्रियंका, जिस तरीके से आप पहले ही जिक्र कर रहे थे कि ये जो मास्टरमाइंड होते हैं पेपर लीक ग्रो के, ये पूरी तरीके से बारीकी से अगर फर्जी तरीके के दस्तावेज तैयार करते हैं या पूर्व की जो इनकी बड़ी हाई प्रोफाइल प्लानिंग होती है उसके बाद ही इस तरीके की वारदात को अंजाम देते, क्योंकि प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ करते हैं इसके लिए बड़ी रणनीति और बड़ा बयान भी दिया है पिता ने उनके। सुनाते हैं क्या कुछ कहा है। नाम की या कोई संपत्ति नहीं है, न कोई जमीन है उनके नाम से या न उनके नाम से या कोई मकान है न उसके नाम से कोई गाड़ी घोड़ा कुछ है कुछ नहीं है उसके नाम से। बराबर। तो पुलिस कोई जानकारी ले, फोन आयो? हाँ, पुलिस का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने मेरे से जानकारी मांगी कि गाड़ी और ट्रैक्टर दो वाहन है, उस वो दोनों वाहन किस किस के नाम। तो श्याम हमने भी सुना किस तरीके से सुरेंद्र जो आरोपी है उसके पिता बोल रहे हैं कि कोई भी संपत्ति जो है वो सुरेंद्र के नाम पर नहीं, यानी कि ये तो क्लियर है कि स्मार्टली इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल तो ये उठ रहे हैं श्याम कि वो फरार कैसे हुआ, सिर्फ प्रदेश ही नहीं देश छोड़कर भाग गया, पुलिस की बड़ी नाकामयाबी यहां पर। निश्चित तौर से प्रियंका, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये जो भूपेंद्र सारण है ये इस आरपीएससी पेपर लीक के अंदर शामिल नाम से नाम नहीं है, ये एक ऐसा नाम है जो राजस्थान की हर भर्ती परीक्षा में इसका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं हर बार छूट जाता है। पूर्व की कई प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो इसका इन्वॉल्वमेंट साफ तौर से नजर आया, कई बार जेल भी गया और ये निलंबित है, क्योंकि रेलवे के अंदर ये पूर्व में कर्मचारी था और इसका भाई गोपाल, यानी कि ये जो फैमिली बैकग्राउंड है इसका, ये कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रदेश के युवाओं बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इनका पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इसका भाई गोपाल पुलिस विभाग के अंदर जो एसआई था और इस तरीके से जो पाली के अंदर बड़ा तेल चोरी का प्रकरण हुआ था उसके अंदर बर्खास्त चल रहा है, और उसके साथ ही ये जो भूपेंद्र है ये भी निलंबित है और पूरी तरीके से इसकी जांच है वो की जा रही है। लेकिन ये आसानी से कैसे भारत छोड़कर भाग गया इसकी लेकर पुलिस को लिए अब बड़ी चुनौती है कि आखिर ये भूपेंद्र को कैसे सामने। बड़ी चुनौती। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी पेपर लीक कांड से जुड़ी सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर बता दे, पेपर लीक गैंग के ठिकानों पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई जारी है, गैंग के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, पत्नी प्रेमिका समेत परिवार के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जयपुर स्थित घर से कई फर्जी मार्कशीट्स और डिग्रियां भी बरामद की गई हैं। देर रात जयपुर के करनी विहार इलाके के घर में छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर पेपर लीक कांड से जुड़े इस वक्त की, और बड़ा अपडेट मामले पर, पेपर लीक गैंग के ठिकानों पर लगातार पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है, और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के करीबियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, पत्नी प्रेमिका सहित परिवार के कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उदयपुर से सहयोगी कपिल इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। कपिल, लेके कर कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, गिरफ्तारियां भी लगातार की जा रही हैं, अपडेट बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में 55 जो गिरफ्तार लोग हैं जिसमें पेपर लीक गिरोह के सदस्य शामिल हैं, डमी कैंडिडेट शामिल हैं और अभ्यर्थी शामिल हैं, उन सभी से लगातार पूछताछ जारी है, और उन्हीं पूछताछ के दौरान भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई थी। आप देखिए कि उदयपुर पुलिस भी सुरेश विश्नोई से जो पूछताछ कर रही है उसके मार्फत यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण और भूपी फिलहाल कहां पर है, क्योंकि वे जब पुलिस की पकड़ में आएंगे तभी अग्रिम कड़ियां जुड़ पाएगी। आप देखिए कि पुलिस ने जयपुर में भूपेंद्र सारण के 2 ठिकानों पर दबिश दी, और दबिश देते हुए वहां से बड़ी तादाद में फर्जी डिग्री और फर्जी मार्कशीट जो कि देश के अलग अलग राज्यों के विश्वविद्यालय से बनी हुई थी वो जब्त की गई है। तो बहुत बड़ा गिरोह चल रहा था, ना सिर्फ पेपर लीक करता था बल्कि अभ्यर्थियों को फर्जी डिग्री और फर्जी मार्कशीट उपलब्ध कराने का काम भी भूपेंद्र सारण और उसका पूरा परिवार करता था, और यही वजह है कि परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दूसरा, परिवार के सदस्य जब गिरफ्त में आए हैं तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र सारण पर एक दबाव बनेगा, और ये कोशिश पुलिस की रहेगी कि जल्दी से जल्दी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण अपनी गिरफ्त में हो।
देखिए रही बात नेपाल भागने की, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, इससे पहले भी जब भूपेंद्र सारण पर आरोप लगे थे पेपर लीक को लेकर, तो इस तरह की बातें उड़ाई गई थी कि भूपेंद्र सारण नेपाल भाग गया है। लेकिन आप देखिए इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि ये पुलिस को गुमराह करने के लिए उड़ाई गई अफवाह भी हो सकती है। तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल नेपाल भागने के कोई पुख्ता सुराग नहीं मिले, लेकिन इस तरह की अफवाहें जो है वो बाजार में जरूर जोर शोर से चल रही है कि आरोपी पुलिस को गच्चा देकर भारत छोड़कर नेपाल चले गए। जी बिल्कुल, हो सकता है, देखिए कपिल कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो भाग भी गए हो, ये भी हो सकता है कि पुलिस को गच्चा देने के लिए एक साजिश यहाँ पर और भी रची गई हो। लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी तो ये हो जाता है कि दोनों आरोपियों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये मुख्य है और जब तक इन्हें नहीं पकड़ा जाएगा ऊपर की जो कड़ियां हैं उन्हें पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है पुलिस के लिए। पहले ही दिन से सबसे पहले हम ही ने न्यूज 18 ने सुरेश ढाका और बुपी का नाम जो है वो सामने लाए थे, और उसके बाद में उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन दोनों के नाम की पुष्टि भी की थी। उसके बाद से लगातार सुरेश विश्नोई से जो पूछताछ चल रही है वो इसी को लेकर चल रही है कि सुरेश ढाका और बुपी कहां पर है और कहां पर पुलिस की पकड़ में आ सकते हैं। उससे ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो सुरेश ढाका और भूपी के आगे की कड़ियों को भी जानता है। हालांकि सुरेश विश्नोई किसी तरह की जानकारी पुलिस के साथ साझा नहीं कर रहा है। ऐसे में अब पुलिस के पास सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो यही है कि वो जल्दी से जल्दी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण जो कि भूपी के नाम से जाना जाता है उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे। हालांकि किसी तरह के सुराग अभी तक पुलिस के पास नहीं है। फिलहाल परिवार के सदस्यों को फर्जी डिग्री और फर्जी मार्कशीट बांटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, और अब ये कोशिश होगी कि परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद भूपी पर दबाव बनाया जाए और वो खुद या तो सरेंडर करे या फिर वो कुछ ऐसे मूवमेंट करे जिससे पुलिस को उसके ठिकानों के बारे में जानकारी मिले और वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, इन दोनों मास्टरमाइंड को पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्या और भी मास्टरमाइंड के नाम सामने आ सके हैं अब तक कपिल, जांच में और भी खुलासे हुए हैं किसी नाम को लेकर? देखिए फिलहाल पुलिस का ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि सुरेश विश्नोई से लगातार पूछताछ की जा रही है और जो कैंडिडेट जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन कैंडिडेट सुरेश विश्नोई के आगे किसी के संपर्क में नहीं है। और सुरेश विश्नोई भूपी और सुरेश ढाका जो कि सुरेश विश्नोई का रिश्तेदार है उसके संपर्क में है और भूपी के संपर्क में है। आगे की कड़ियों के बारे में सुरेश विश्नोई पुलिस को किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहा है और यही वजह है कि पुलिस को कोई बड़ी सफलता आगे हाथ नहीं मिल रही है। 4 दिन हो चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को लगातार जो है पुलिस के आला अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन बड़ी कड़ियों को जोड़ने में अभी तक असफल रहे हैं। और यही वजह है कि अब ये जो पुलिस है उसका लगातार ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी भूपी को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि भूपी जो है वो एक बड़ा मास्टरमाइंड के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। और जो प्राथमिक जानकारी है सुरेश विश्नोई को व्हाट्सएप पर जो पेपर भेजा गया था वो संभवतया भूपी के द्वारा भेजा गया था, तो भूपी की गिरफ्तारी बेहद जरूरी हो जाती है अग्रिम कड़ियों को जोड़ने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पर भूपेंद्र सारण का जो रोल है वो काफी अहम हो जाता है और श्याम पकड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कई बड़े खुलासों के लिए। क्या पुलिस की टीम नेपाल जा सकती है अगर ऐसी खबरें हैं कि वो नेपाल फरार हो सकता है तो? निश्चित तौर से प्रियंका, भूपेंद्र जो सारण है उसके नेपाल जाने की जानकारी के बाद में पुलिस भी पूरी तरीके से हरकत में आ चुकी है। जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि अगर इस तरीके की अगर पुष्टि हो जाती है इंटेलिजेंस से तो वो पुलिस की एक टीम है वो नेपाल जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो जयपुर के अंदर दबी से दी गई है भूपेंद्र के ठिकानों पे, वहां पर जो प्रियंका बिश्नोई नाम की जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके कब्जे से 32 से अधिक मार्कशीटें मिली है जो फर्जी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी की है, जिसके अंदर मैं प्रियंका आपको बता दूं कि ये जो मार्कशीट है 9 मार्कशीट है श्रीनगर के एक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड वर्किंग लिमिटेड की है, जम्मू कश्मीर की है, 3 मार्कशीट हिमाचल यूनिवर्सिटी की है और उसके साथ साथ में 8 मार्कशीट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की, और 12 मार्कशीट है जो ओपीजीएस यूनिवर्सिटी चुरू की है उसकी मार्कशीट मिली। यानी कि कुल मिलाकर के मोटा मोटी 32 से अधिक मार्कशीटें उस प्रियंका यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड के पास से मिली है। यानी कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो मार्कशीटें हैं ये मिलना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये प्रियंका भी पूरी तरीके से तमाम प्रकार के पेपरों के अंदर फर्जी दस्तावेज तैयार करने की बात हो या पेपर लीक करने के अंदर उसका इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके का जो है पुलिस सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में तमाम प्रकार के फर्जी दस्तावेज मिलना ये साबित करता है कि भूपेंद्र के साथ
में तमाम प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के अंदर उसकी गर्लफ्रेंड का भी अहम रोल था। जी प्रियंका, बिल्कुल बिल्कुल श्याम, एक बहुत बड़ा गिरोह यहाँ पर चलाया जा रहा था और बहुत बड़ी गड़बड़ियां भी चल रही थी कपिल, क्योंकि अदर स्टेट से भी तार जुड़ रहे हैं इस मामले की। क्या और भी राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं जहां पर से इनके तार जुड़े हुए हैं, इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल कोई नाम सामने नहीं आ पाया, लेकिन निश्चित तौर पर यह गिरोह बहुत बड़ा है, इसके तार दूसरे राज्यों से जुड़े होने की पूरी संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण आप देखिए कि अलग अलग राज्यों के कॉलेजेस की मार्कशीट जो है, फर्जी मार्कशीट, फर्जी डिग्री इनके घर से मिली है। ऐसे में ये पूरा परिवार जो है इस तरह के फर्जीवाड़ा करने में लिप्त होता सामने आ रहा है। दूसरा, ये जो मार्कशीटें और डिग्रियां, जो फर्जी मार्कशीट और फर्जी डिग्री अरेंज की जा रही है, तो निश्चित तौर पर जिन राज्यों में ये विश्वविद्यालय बने हुए हैं वहां के भी कई सारे लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद में जो अगर नाम सामने आते हैं तभी इन बातों की पुष्टि हो पाएगी। लेकिन अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हों। ये भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पेपर लीक गिरोह के जो सदस्य हैं वो भी सिर्फ भूपी और सुरेश ढाका तक ही खत्म ना होकर इसके कई मास्टरमाइंड दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हो, वहां से भी इनके संपर्क हो, तो किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इंतजार पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का किया जा रहा है। बिल्कुल कपिल, किसी भी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है और फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि दोनों मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक के जांच शुरू कर दिए गए हैं। पेपर सेटिंग से लेकर गोपनीय शाखा तक जांच केंद्र में इस वक्त जांच की जा रही है। आरपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक के चरण की जांच शुरू कर दी गई है। पेपर जहां पर सेट किए जाते हैं गोपनीय शाखा में भी इस वक्त जांच टीम पहुंची हुई है और पूरे मामले पर अंदरूनी जांच की जा रही है। तो आयोग ने अंदरूनी जांच की भी शुरुआत कर दी है। कपिल, बेहद अहम हो जाता है ये, अंदर तक कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हैं, इसे जानने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आरपीएससी पर बड़े सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में आरपीएससी को अब अपने ऊपर जो दाग लग रहे हैं उन्हें धोने के लिए निश्चित तौर पर जांच करनी होगी और पूरी तरह से पाक साफ साबित होने के लिए निष्पक्ष जांच करते हुए पूरी जो रिपोर्ट है वो सामने लानी होगी कि आखिर किस तरह से पेपर लीक हुए हैं। क्योंकि पेपर लीक होकर भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका तक पहुंचे और आरोप लग रहे हैं कि इसमें कई बड़े नाम हो सकते हैं जिसमें कई संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में अपने बिल्कुल, आप बिल्कुल, पर लग रहे हैं, जब से ये पेपर लीक हुआ है आरोप आरपीएससी पर भी लगाए जा रहे हैं, विपक्ष भी इसे लेकर हमलावर है और जांच की मांग की जा रही थी। और अजमेर से सहयोगी अभिजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। अभिजीत, काफी अहम ये जांच गोपनीय शाखा में जांच की जा रही है, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। पेपर आउट होने के साथ ही जब परीक्षा निरस्त हुई थी उसके बाद से ही आरपीएससी कई तरह के सवालों के घेरे में है और उन्हीं सवालों के जवाब को खंगालने के लिए राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने जब आरपीएससी पर स्पष्ट रूप से सीधा बड़ा आरोप लगाया था कि आरपीएससी की सीक्रेसी ब्रांच के लोग ही इस पेपर लीक में शामिल है, तो उसके बाद से आरपीएससी ने इंटरनल इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी है। आरपीएससी के सेक्रेटरी एचएल अटल की अगुवाई में ये पूरी जांच की जा रही है और पूरा प्रोसेस जो है क्वेश्चन पेपर सेटिंग से लेकर उसे प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाने का, प्रिंटिंग प्रेस से वापस से आरपीएससी और फिर जिला केंद्रों तक पहुंचाने का जो पूरा चरण है, इस पूरे चरण को खंगालने का प्रयास जो है यहां पर किया जा रहा है। हर बारीक से बारीक पहलू को यहां पर नोट किया जा रहा है। प्रोसेस जो है, चूंकि आरपीएससी ने जो एक प्रोसीजर अपना रखा है क्वेश्चन पेपर सेटिंग को लेकर, उसमें एक्सपर्ट्स के जरिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाता है और एक्सपर्ट जो है वो रिटायर्ड कॉलेज प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर्स होते हैं। तो उन तमाम जो अभी इस वक्त आरपीएससी ने जिन एक्सपर्ट्स के जरिए इस क्वेश्चन पेपर को बनवाया है, 4 से 5 एक्सपर्ट्स की कमेटी जो है वो बनती है, उन तमाम लोगों से जो है उनका रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, उनका मूवमेंट जो है वो खंगाला जा रहा है। कोशिश ये प्रयास ये भी देखा जा रहा है कि पेपर सेंटर तक पहुंचाने का रिकॉर्ड जो है वो किस तरह का रहा है, पेपर सेट करने वाले जो विषयवार विशेषज्ञ थे उनके रिकॉर्ड को भी देखा जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गोपनीय शाखा जहां पर जो बंद लिफाफे में क्वेश्चन पेपर का सेट जो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाकर देती है वो वहां पर किस तरह का रिकॉर्ड संधारण किया गया है, वहां से सील बंद लिफाफे में ये चेयरमैन के पास पहुंचता है और चेयरमैन
और फिर उसको प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाते हैं। तो हालांकि आयोग ने एक बहुत साउंड प्रूफ सिस्टम जो है बना रखा है, लेकिन उसमें सेंध लगी है, सेंध लगी है तो सवाल उठे हैं तो उसका जवाब संभालने के लिए आरपीएससी पुलिस की अपनी जांच चल रही है, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन आरपीएससी में कहीं कोई भेदिया तो नहीं है, इसकी पड़ताल आरपीएससी अपने स्तर पर कर रही है और तमाम जो प्रोसीजर है उन प्रोसीजर्स को अपनाया जा रहा है फिलहाल। बिल्कुल अभिजीत, क्योंकि जब से पेपर आउट हुआ है लगातार आरपीएससी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसे लेकर ये जांच काफी ज्यादा अहम भी हो जाता है। अभिजीत, अगर कोई पकड़ा जाता है तो हो सकता है उस पर कार्रवाई भी हो। कपिल, आपके पास आते हुए, क्या कार्रवाई की जाएगी अगर कोई अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया जाता है? नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी इस पर भी? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस पूरे मसले में कोई भी व्यक्ति आरोपी सिद्ध आरोप जिस पर आरोप लगते हैं और उसकी गिरफ्तारी होती है, उन सभी पर जो नया कानून बना है उसी के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। क्योंकि आप देखिए कि पेपर लीक गिरोह के सदस्यों पर तो ये कानून लगाया है, लेकिन जो डमी कैंडिडेट उनके साथ में गिरफ्तार हुए हैं, जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं, उन सभी पर यही कानून लगाया गया। तो निश्चित तौर पर यदि अगर बड़ी कड़ियों के रूप में भी और नाम सामने आते हैं, चाहे वो आरपीएससी से जुड़े हुए हों या फिर कोई और कड़ियां हों वो सामने आती, तो उन सभी पर इसी कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की जो है वो कोशिश पुलिस करेगी। क्योंकि अब 55 लोग जो गिरफ्तार किए गए उनमें 11 बड़ी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए और इन धाराओं के तहत जो सजा के प्रावधान है वे भी बेहद कड़े हैं। 10 साल अधिकतम सजा का प्रावधान है और अधिकतम 10 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है इन धाराओं के माध्यम से लगाने का जो प्रावधान है वो जो है कानून के जो नया कानून बना इसके तहत रखा गया है। तो निश्चित तौर पर धाराएं बहुत बड़ी लगाई गई है, गंभीर लगाई गई है और यदि इन धाराओं के आधार पर आरोप सिद्ध होते हैं और इन्हें सजा दिलाई जाती है तो एक डर जरूर पेपर माफियाओं के मन में जो है वो आगे के समय में देखा जा सकता है। बिल्कुल, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा अगर कोई भी पकड़ा जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, बेरोजगारों का हल्ला बोल जारी है। राजधानी में बेरोजगारों का आज जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। प्रदेश भर के बेरोजगार शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने ये बड़ा ऐलान किया है। आरोपियों पर एनएसए लगाने और सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 सूत्रीय मांगों को लेकर आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। लगातार इसे लेकर जो विपक्ष की पार्टीज हैं वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अभ्यर्थी भी इसे लेकर गुस्से में नजर आए, उनकी ओर से भी प्रदर्शन किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने एक और बड़ा ऐलान किया है। आरोपियों पर एनएसए लगाने और सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। पेपर लीक से जुड़ी कुल 14 सूत्रीय मांगे हैं, जिन्हें लेकर आज एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। प्रदेश भर के बेरोजगारों का शहीद स्मारक पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बड़ी संख्या में बेरोजगार सड़कों पर इकट्ठा होंगे और अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फॉर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 की मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों को देखा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किए गए ड्रग्स को लेकर के डीजीपी आशीष भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भाटिया ने कहा कि ये कोस्ट गार्ड और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। करीब 300 करोड़ की 40 किलो ड्रग्स यहां से बरामद की गई। भारत पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 22
मेघालय के उमरोई में चल रहा है। ये सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच में अरुणाचल सीमा पर तनाव के बीच ही पूर्वोत्तर में चल रहा है। दोनों देशों के बीच साल 2016 में वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास की शुरुआत हुई थी, तब इसे प्रबल दोस्ती नाम दिया गया था। टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस तनिषा शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गई। एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार गुरुदेव शमशान भूमि पर किया गया। 20 साल की एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया था और परिवार करीबी और फैंस इससे काफी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि बताया। दरअसल सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से कर दी। उन्होंने राहुल को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भारत की संज्ञा भी दी है। कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए देशभर के अस्पतालों में कोविड 19 की मॉकड्रिल की गई। मॉकड्रिल का मकसद इक्विपमेंट, प्रोसेस और मैन पावर से जुड़ी तैयारियों को परखना था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोविड से जुड़ी तैयारियों को देखा। गुजरात एटीएस और इंडियन कोस्ट गार्ड की संयुक्त कार्रवाई में बरामद किए गए ड्रग्स को लेकर के डीजीपी आशीष भाटिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान भाटिया ने कहा कि यह कोस्ट गार्ड और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 पाकिस्तानियों के साथ एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा है। करीब 300 करोड़ की 40 किलो ड्रग्स यहां से बरामद की गई। भारत पाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिद 22 मेघालय के। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब एक नजर डालेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। कांग्रेस पार्टी 137 साल की हो गई है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला किया। जयपुर में कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन, प्रदेश प्रभारी रंधावा विधायकों से करेंगे 1-to-1 संवाद। जम्मू कश्मीर के सिंदरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में घर में आग लगने से 4 बच्चों समेत 5 की मौत। एक्टर तनिषा शर्मा मौत के मामले में शिजान की रिमांड पुलिस मांग सकती है, आज शिजान की वसई कोर्ट में पेशी है। मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को सीबीआई हिरासत में रहने के दौरान स्पेशल बेड और गद्दे का उपयोग करने की अनुमति दी है। चीन से आए 2 और यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 3,421 हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पाली दौरा तय हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू 4 जनवरी को पाली के निम्बली गांव आएंगे। पेपरली गैंग के सरगना भूपेंद्र सहारण के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें उसकी पत्नी, उसके भाई की पत्नी और प्रेमिका सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उसके घर से डिग्रियां और मार्कशीट बरामद की गई। जालौर से खबर आ रही है कि पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण के भारत छोड़ने की आशंका है। पुलिस को भूपेंद्र सारण के घर से अहम दस्तावेज हाथ लगे। जयपुर के रामगढ़ रोड पर 2 गुटों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों गुटों ने जमकर पत्थरबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा के रहने वाले कुणाल अब आईपीएल में राजस्थान की टीम से खेलेंगे। कुणाल को राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है।
चूरू के रतनगढ़ उडेरा सड़क मार्ग पर खड़े डंपर की एक बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक चुराने की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग का पर्दाफाश किया और दो बाल अपचारियों को पकड़ा है। कोचिंग नगरी कोटा में आज शहर की कई कॉलोनियों में बिजली गुल रहने वाली है। अलग अलग इलाकों की कॉलोनियों में करीब 5 घंटे तक बिजली की कटौती रहेगी। कोटा में छात्राओं से अस्मत मांगने वाले जजी प्रोफेसर को आज फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसे लेकर काफी हंगामा होने की भी आशंका है, जिसे देखते हुए कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कोटा में सर्द रातों में जिला कलेक्टर ने फुटपाथ पर रात बिताने वालों के हालात देखने के लिए शहर से बाहर निकले, जिसके बाद सड़क किनारे रात बिता रहे लोगों को उन्होंने रैन बसेरों तक पहुंचाया। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में 2 गुटों में पथराव, खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में एक डेली नीड्स की दुकान में रात करीब 1 बजे की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अलवर के बांसुर में गौरक्षकों की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गायों से भरी पिकअप जब्त कर ली है। बीकानेर के खाजूवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक में झगड़ा हो गया, जहां ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हाथापाई हो गई। व्यवस्थापक पर आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर के सवीना थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस को चोरी की बाइक भी मिली है। प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 4 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। शीतलहर के प्रकोप के कारण दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार हैं। हालांकि आज घने कोहरे से कुछ राहत मिली है, जिससे वाहन चालकों को खासी राहत मिली है। जयपुर में पेपर लीक कांड पर बेरोजगारों का हल्ला बोल, आज राजधानी में बेरोजगारों का होगा जोरदार प्रदर्शन। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीचारे एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, खाजूवाला ग्राम सेवा सहकारी समिति की बैठक में झगड़ा हुआ है, ग्रामीणों और व्यवस्थापक के बीच हाथापाई हो गई। ग्रामीणों ने व्यवस्थापक पर कई गंभीर आरोप लगाए और मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का भी आरोप लगा है। ग्रामीणों ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है, व्यवस्थापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है, बीकानेर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर ग्रामीणों और व्यवस्थापक में हाथापाई हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने उस पर कई गंभीर आरोप लगाए। विक्रम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रम क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है 5 पुली की, उसकी एक बैठक रखी गई थी और उसके जो व्यवस्थापक हैं उन पर ग्रामीणों का ये आरोप है कि पिछले लंबे समय का जो रिकॉर्ड है वो अध्यक्ष और जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो मांग रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें ये हो रही है कि ग्राम सेवा समिति के माध्यम से जो है वो खाद यूरिया की जो कमी चल रही है अभी, वो यूरिया की खरीद नहीं हो पा रही है, इसको लेकर एक बैठक की गई थी। इस बैठक के दौरान जो है ग्रामीणों का ये आरोप है कि व्यवस्थापक ने उनके साथ झगड़ा किया और मारपीट की है, और इसको लेकर जो है SDM को भी एक ज्ञापन दिया गया है कि इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने, और इसमें पूरे में जो ग्रामीण है उनका ये भी आरोप है कि समिति में गबन है, इसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो इस पर मामला दर्ज करवाने की बात भी चल रही है और अधिकारियों से ये SDM से यही गुहार लगाई गई है कि जो रिकॉर्ड है वो उन्हें दिया जाए। जी विक्रम, व्यवस्थापक की ओर से कोई सफाई पेश की गई है, कोई बयान सामने आया है? देखिए, व्यवस्थापक ने जो है वो इस पूरे जो इन ग्रामीणों के जो आरोप हैं उन्हें निराधार बताया है और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, कुछ लोग जो हैं समिति में। ठीक है विक्रम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 2 गुटों में जमकर पथराव देखने को मिला, 2 पक्षों में पथराव मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें, ब्रह्मपुरी इलाके में कृष्णा कॉलोनी में पथराव हुआ था, कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं, पुलिस जाब्ता रात भर वहां पर तैनात रहा, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पथराव करने वालों की पहचान कर पुलिस गिरफ्तारी में जुटी हुई है। देर रात तक नॉर्थ जिले के कई थानों का जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। DCP नॉर्थ परेश देशमुख ने कहा है कि फिलहाल फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है,
तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात दो गुटों में जमकर झड़प हुआ और पथराव भी देखने को मिला। इसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, बड़ी संख्या में पुलिस जब्ता मौके पर रात भर तैनात रहा। इस दौरान कुछ गाड़ियों में तोड़ फोड़ भी देखने को मिली है, जिसकी पहली तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पथराव में कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा है, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। लगभग आधे घंटे पहले कंट्रोल को ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस का जाब्ता तुरंत मौके पर पहुँचा, आसपास के जाब्ते को भी यहाँ मौके पर भेजा गया और अब तक अभी मौके पर पूरी तरह से शांति है, केवल पथराव है। किसी को कोई गंभीर चोट अभी तक कारित नहीं हुई है, इसमें किसी प्रकार की आगजनी भी नहीं हुई है, साधारण चोट है। अभी मौके पर शांति है और नियमानुसार। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आरटीयू में अस्मत मांगने के मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, डर्टी प्रोफेसर की आज कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूछताछ की जा रही है, कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर के कई राज खुले हैं, काला चिट्ठा खुला है। यूनिवर्सिटी को ये मौज मस्ती का अड्डा बना रहा था, चहेते स्टूडेंट्स को खाली पुस्तिका पर भी नंबर दिए जा रहे थे। एसआईटी ने तकरीबन 30 उत्तर पुस्तिकाओं को जब्त कर लिया है, जिस पर जांच की जा रही है। चहेते स्टूडेंट से ही पेपर भी तैयार कराए जा रहे थे, जिन्हें फिलहाल टीम ने बरामद कर लिया है। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश सीधे हमारे साथ जुड़ चुके, उन्हीं के पास चलेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। ओम प्रकाश, आज पेशी होनी है डर्टी प्रोफेसर की, किस तरीके की तैयारियां वहां पर, बताया जा रहा बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है वहां पर। देखिए, जब जब कोर्ट में इस डर्टी प्रोफेसर की पेशी होती है, तब हंगामे के हालात की आशंका को देखते हुए जाब्ता तैनात किया जाता है। ब्लैक कमांडो सादा वस्त्रों में भी जवानों को तैनात किया जाता है, क्योंकि दो बार उनके साथ बड़ी घटना हो चुकी है। एक बार कोर्ट परिसर में ही थप्पड़ जड़ा जा चुका है वकील द्वारा, तो वहां वही यूनिवर्सिटी परिसर में भी हंगामे के भारी हालात बने थे। फिलहाल ये कहा जा सकता कि दोपहर तक इनको कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को, जो कि डर्टी प्रोफेसर उनके साथ देने वाले अर्पित अग्रवाल जो छात्र है, उन दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं अब जो, जैसा कि न्यूज 18 राजस्थान ने पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे उनके ऑडियो सामने आ रहे हैं, डर्टी प्रोफेसर और छात्र ही नहीं बल्कि एक छात्रा और प्रोफेसर के बीच की बातचीत का भी ऑडियो सामने आने के बाद लगातार न केवल यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार अब जांच आगे बढ़ेगी। यूनिवर्सिटी प्रशासन जो की कार्यप्रणाली है, वो कई बड़े, उनकी कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि पेपर न केवल छात्रों से बनाए जाते थे बल्कि खाली उत्तर पुस्तिकाओं में जो है अपने मनपसंद अपने चहेते छात्र छात्राओं द्वारा ही जो है जांच करवा के उनसे खाली उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर दे दिए जाते थे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जैसे ही उनको यदि रिमांड पे वापस नहीं लिया जाता और जेल भेजने के कोर्ट आदेश देता है, तो उसके बाद अन्य गंभीर धाराओं में जो परीक्षा नियंत्रण अधिनियम धारा जो है उसके तहत जब गिरफ्तार किया जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि जो डर्टी प्रोफेसर, उनके राज अब चौंकाने वाले राज लगातार खुल रहे हैं, और माना जा रहा है कि एसआईटी की टीम अब कई चौंकाने वाले खुलासे करने के साथ साथ कई छात्र छात्राओं पर शिकंजा कर सकती है, कुछ जो प्रोफेसर अन्य प्रोफेसर सहित अन्य की गिरफ्तारी भी कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। और लगातार खुलासे हो रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि अय्याशी और मौज मस्ती का इन्होंने परीक्षा को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी जो परिसर को अड्डा बना रखा था और अपने ही घर को एक परीक्षा कक्ष की तरह बना रखा था, अपने वहां छात्रों को न केवल बिठाता था बल्कि कॉपियां वहीं जचवाता था और कॉपियां वहां लेके आ जाया करता था, और तमाम इन पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल उन कमरे को सीज कर लिया गया है और जो डर्टी प्रोफेसर के साथ देने वाले छात्र है उनके कमरे से भी कई जो है आपत्तिजनक ऐसी इस तरह की वस्तुएं मिली है, कुछ कॉपियां मिली है, कुछ सूची छात्र छात्राओं की मिली है, और एक छात्रा जो एसआईटी की टीम की निगाह में है, माना जा रहा है कि उस छात्रा पर भी जल्दी शिकंजा कसा जा सकता है। वो छात्रा अस्मत मांगने की के मामले में छात्राओं को जो है ये कहा जा सकता है कि दबाव बनाया करती थी, प्रेशर दिया करती थी, पूरी स्क्रिप्ट लिखा करती थी और प्रोफेसर और जो है अर्पित का साथ देती थी,
कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी जो शर्मसार हुई है फिलहाल जो यूनिवर्सिटी परिसर के शर्मसार कर देने वाली खबर है। और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि जो खाली पुस्तकाएं रहती थी उस पर भी नंबर दिए जाते थे और इसके साथ ही जो छात्र हैं उन्हीं से कॉपियां भी जचवाई जाती थी, इवन पेपर भी सेट कराए जाते थे। आज पेशी होनी है दोबारा से, क्या लग रहा है प्रकाश, रिमांड की अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार फिर से? देखिए हालांकि एसआईटी की टीम का कहना है कि ज्यादातर जांच तो पूरी कर ली गई है, लेकिन क्योंकि इस आरोपी से कई और चौंकाने वाले राज अभी उकलने बाकी है। मोबाइल को जब्त करने के बाद कई ऑडियो वीडियो जो मिले हैं, अश्लील ऑडियो वीडियो, वो जब्त कर लिए हैं पुलिस ने। लेकिन ये कहा जा सकता है कि यदि इनको जेल भेज भी दिया तो कुछ दिनों बाद में फिर से अन्य धाराओं में, अन्य मामले में गिरफ्तार जरूर किया जा सकता है और रिमांड भी कोर्ट से आज मांगा जा सकता है। हालांकि करीब 6 दिन का रिमांड इनका पूरा हो चुका है, दो बार रिमांड की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जेल भेजने के बाद कुछ दिन बाद में हो सकता है प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है या अन्य धाराओं में, अन्य मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल ओम प्रकाश, जिस तरीके से एक एक कर 6 दिनों के पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए, हो सकता है कि रिमांड की अवधि को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर आग से दुकान जलकर खाक हो गई है। राजाखेड़ा में एक दुकान में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। आग से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची, आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। तो फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी गई, लेकिन सूचना मिलने के बाद भी बड़ी लापरवाही फायर ब्रिगेड की, यहां पर सूचना मिलने के बाद भी टीम यहां पर नहीं पहुंची जिससे लाखों का नुकसान हो गया है। तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक दुकान में भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट फिलहाल प्राथमिक जांच में शुरुआती दौर में वजह बताई जा रही है, लेकिन बड़ी लापरवाही यहां पर फायर ब्रिगेड की, सूचना दी गई लेकिन इसके बावजूद टीम यहां पर नहीं पहुंची। प्रशासन के लिए मैंने चेयरमैन साहब के लिए फोन किया था तो रायगढ़ की नगर दमकल तो थी नहीं। अच्छा, धौलपुर से आई थी, आरएनटी नंबर भी 3 बजे के करीब, 3:30। घटना कितने बजे की है? 1:30 बजे तो मैं आ गया था नीचे। अच्छा, तो आपने फोन करने के बाद कितने बजे दमकल आई थी? करीब 2 घंटे बाद। और अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बांसूर में गौ रक्षकों की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, गायों से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, गौवंश को मुक्त कराया गया है। बताया जा रहा है कि जब ये पिकअप पकड़ी गई तो एक गौवंश की इसमें मौत हो चुकी थी। गौ तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई और इन सभी गौ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तो संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, गौ रक्षकों की टीम और पुलिस ने मिलकर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है जहां पर गायों से भरी हुई पिकअप गाड़ी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि ठूस ठूस कर इसमें कुल 9 गायें भरी हुई थी। गौवंश को छुड़ा दिया गया है और एक गौवंश की मौत हो चुकी है। और रतनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, हुडेरा सड़क मार्ग पर खड़े डंपर की एक बाइक से भिड़ंत हो गई जिसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक सरदार शहर तहसील के गांव बलडासर निवासी 26 वर्षीय राजू राम मेघवाल और हुडेरा निवासी 25 वर्षीय देवाराम मेघवाल बाइक पर सवार होकर मंगलवार की देर रात रतनगढ़ से हुडेरा जा रहे थे, वहीं दोनों वाहनों की आपस में भिड़ंत हो गई। और खबर करौली से है, राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के तत्वाधान में क्षेत्र के वन कर्मचारियों ने संघ के जिलाध्यक्ष सिकंदर सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को उपवन संरक्षण को ज्ञापन सौंपा और सहायक वनपाल राजेश कुमार मीणा और क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम सिंह मीणा के निलंबन आदेश को वापस लेने की मांग की। जिलाध्यक्ष ने बताया कि सहायक वनपाल सपोटरा राजेश कुमार मीणा ने अपने पद को दायित्वों का जिम्मेदार से निर्वहन करते हुए वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाकर अवैध खनन आदि करने वालों पर कार्रवाई की थी, लेकिन द्वेषता और राजनीतिक दबाव के चलते उनके निलंबन की विभाग ने कार्रवाई कर दी।
उन दोनों को सस्पेंड किया है, कोई कारणवश नहीं। फील्ड में गश्त करते हुए किसी मुलजिम को पकड़ते हैं, उसका इल्ज़ाम भर देते हैं और DFO के पास में वन मंत्री महोदय रमेश मीणा आके ये कहता है कि वहाँ तुम्हारे स्टाफ मुलजिमों से छेड़ाछाड़ी करता है, जबकि मुलजिमों को पकड़ के रेंज में ले जाने के बाद में रसीद काटने के बाद में उसके बाद में उन्होंने ना उन कर्मचारियों को सस्पेंड कराया है। इसलिए हम जिला पूरे जिले करौली के कर्मचारी भेड़ होके और इस बात को DFO साहब को अवगत कराएंगे भाई कि आपने जो सस्पेंड किए कर्मचारी को किस कारण किया है, उसका कारण बताइए। श्री राजेश मीणा सहायक वनपाल सपोटरा रेंज और विक्रम रेंजर जी करौली रेंज से, जिनका सरकारी ड्यूटी कार्य करते हुए उनको बिना किसी नोटिस दिए हुए और उनको कल निलंबन किया गया, जिसमें मंत्री रमेश मीणा जी आए थे और उन्होंने उनको क्या नाम है निलंबन किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। और खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस पर PCC में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी रंधावा के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी कहा था, अभी हमारी लड़ाई नीतियों की है, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की है, RSS BJP के खिलाफ में वो जारी रहेगी। संविधान की रक्षा करने में हम लोग सक्षम हैं। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के, जिस प्रकार खड़गे साहब अब अध्यक्ष बना हमारे नए, आप देख रहे हैं कि दलित वर्ग का व्यक्ति 50 साल के बाद में अध्यक्ष बने हैं, पूरे देश के अंदर एक नया माहौल बना है। उसी के सानिध्य में हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर जो यात्रा समाप्त होगी राहुल जी की, उसके बाद में नए प्रोग्राम दिए गए हैं, उन प्रोग्रामों को लेकर हम लोग गली गली गांव गांव जाएंगे। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। वो कांग्रेस जिसने भारत के मान सम्मान की और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसने भारत में जो तिरंगा दिया, जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, आज उसको हाथ में लेकर हर आदमी गर्व महसूस करता है। क्योंकि जब कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब, भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में, तो मन में जज्बा एक ही था, मैं रहूँ नहीं रहूँ मेरा देश रहना चाहिए। और जिस तिरंगे को स्थापित करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, इन लोगों ने कुर्बानी दी, आज हम सब की जिम्मेदारी है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश के मान और सम्मान के लिए आगे बढ़ें। और खबर सिरोही से है, जहां सांसद देवजी पटेल और विधायक सेम लोढ़ा के बीच क्रेडिट वॉर छिड़ गई है। दोनों ही नेताओं में केंद्रीय विद्यालयों का श्रेय लेने की होड़ मची है। सांसद केंद्र की सौगात बता रहे हैं तो वहीं विधायक राज्य सरकार की पहल से मामले को जोड़ रहे हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है। हालांकि आज श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर घने कोहरे से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे वाहन चालकों को खासी राहत मिली है। मौसम विभाग द्वारा आगामी 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। जिले के मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। प्रदेश का सरहदी जिला श्रीगंगानगर में हाड़ कपकपाने वाली ठंड का दौर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों से पड़ रहे घने कोहरे से जरूर आज श्रीगंगानगर वासियों को हल्की राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आज श्रीगंगानगर वासियों को कोहरे से निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ठंड के तेवर अपनी जगह बरकरार है। अभी समय हम श्रीगंगानगर के अम्बेडकर चौक पर मौजूद है और यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो आप ये देखेंगे कि देखिए जो पिछले 5-7 दिनों से घना कोहरा था, विजिबिलिटी प्रभावित हो रही थी, वो आज कहीं न कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और यही एक वजह है कि वाहन चालकों को खासी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा आप देख पा रहे हैं। मौसम काफी हद तक साफ है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि कुछ हल्का कोहरा है, जिससे थोड़ी सी कहीं ना कहीं वाहन चालकों को राहत मिली है। इसके साथ साथ हम रेलवे स्टेशन से गोल बाजार चौक पर जाने वाले अम्बेडकर चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक तंदूर लगा हुआ है, जहाँ अक्सर राहगीर रुकते हैं और अपने हाथों को सेकने का प्रयास करते हैं, ताकि उस हाड़ कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिल सके।
निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई है, जिसका असर देखा भी जा रहा है। चूंकि कल पूरे दिन सूर्यदेव ने ठीक से दर्शन दिए, दिनभर धूप खिली रही, जिसके बाद एकाएक दिन का तापमान बढ़कर 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 48 घंटों के दौरान जिस तरह से मौसम विभाग ने राहत की बात कही है, वो राहत कहीं न कहीं श्रीगंगानगर वासियों को मिलती हुई दिखाई भी दे। हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप जयपुर से आ रहे हैं, तो मौसम कैसा है ठंड को लेकर रस्ते में और गंगानगर में? गंगानगर में ज्यादा ठंड है, जयपुर में इतनी ठंड नहीं है, और रस्ते में तो कोहरा छा रहा है। रस्ते में कोहरा था, तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो अक्सर रहता है कि ठंड ना लग जाए, तो क्या इंतजाम करके निकलते हैं? आप तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। हाँ जी, हम पूरे लेके गए थे अपना सामान, हमें पता था ठंड तो लगेगी। अच्छा, पर वहाँ पर गए तो वहाँ पर ठंड इतनी नहीं थी, यहाँ मतलब कंबल वगैरह कैरी कर रहे हैं। कंबल वगैरह लेके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस पार्टी 137 साल की हो गई है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने झंडारोहण किया। कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने बीजेपी पर हमला किया। जयपुर में कांग्रेस का राज्य स्तरीय अधिवेशन, प्रदेश प्रभारी रंधावा विधायकों से करेंगे 1-to-1 संवाद। जम्मू कश्मीर के सिंदरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में घर में आग लगने से 4 बच्चों समेत 5 की मौत। एक्टर तुनिशा शर्मा मौत के मामले में शिजान की रिमांड पुलिस मांग सकती है, आज शिजान की वसई कोर्ट में पेशी है। मुंबई की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को सीबीआई हिरासत में रहने के दौरान स्पेशल बेड और गद्दे का उपयोग करने की अनुमति दी है।